अजय देवगन सर की साल 2024 की हॉरर ड्रामा ब्लॉकबस्टर मूवी शैतान फुल एचडी पर देखने के लिए स्पीड के अंदर आए हो। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए बनाया है। जी हाँ दोस्तों, स्पीड के अंदर हम बात करने वाले हैं शैतान मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में, इस मूवी के ऑफिशियली रिलीज और इस मूवी के यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। दोस्तों फाइनली इस मूवी को ओटीटी प्रीमियर पर रिलीज कर दिया जा चुका है, जो कि काफ़ी लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे थे इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों फाइनली दोस्तों शैतान की ऑफिशियल हिंदी प्रीमियर का चर्चा और इस मूवी का रिलीज अपडेट मिल चुका है। आप लोगों में से कनकर इस मूवी को देख चुके हैं या फिर ना, इस वीडियो को लाइक करिए। 2024 की अजय देवगन सर, जानकी और ज्योतिका मैम की लीड कास्ट में, साथ ही साथ एज ए लीड कास्टिंग आर माधवन इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। ऑडियंस की तरफ से 4.3 की रेटिंग मिली हुई, वन ऑफ द बेहतरीन और बेस्ट मूवी आप सभी ने कह सकते हो। और काफ़ी सारी नई मूवी में से अजय देवगन सर की पिछले टाइम रिलीज हुई बैक टू बैक 3 मूवी सुपरहिट हो चुकी थी। और हाल ही में इस टाइम अजय देवगन सर मैदान नाम की मूवी से इंटर हो चुके हैं बाजार के अंदर। 2024 में इनकी मूवी मैदान हाल ही में रिलीज में आ चुका है, जो कि मूवी अक्षय कुमार सर और टाइगर श्रॉफ सर की मूवी के साथ क्लैश हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 2024 के मैदान मूवी जिसको ऑडियंस की तरफ से 4.8 की और आईएमडीबी की तरफ से 8.9 की शानदार रेटिंग मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से कहीं इस मूवी को ऑलरेडी देख चुके थे, आप हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों हिंदी मूवी लवर्स के लिए इस टाइम ये सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। और मूवी लवर्स और मूवी फैन जो काफ़ी लंबे वक्त से हिंदी सिनेमा की मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, शैतान मूवी को मैदान मूवी के रिलीज के साथ साथ अपडेट कर दिया गया है। और ओटीटी प्रीमियर पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स परचेज करके रखा था, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी में से इनकी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर भी आ गई थी। मैं आप सभी को बता दूँ, मैदान मूवी के ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। उसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ सर की मूवी एक ही साथ थिएटर पर रिलीज हुआ था, और उसके साथ साथ दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। दोस्तों आप सभी को बता दें, मैदान मूवी का बजट था सिर्फ 100 करोड़ के आसपास, और दोस्तों जिसने इस दिनों तक 17 करोड़ की कलेक्शन कर लिया है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा लो कमाई है, जिसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा हुआ है। आप लोगों में से कनकन को पता है, एक्शन थ्रिलर मूवी को सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले टाइम रिलीज हुई 12th फेल्ड जो एक सुपर डुपर हिट रही थी, पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी को पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ था। फिर भी दोस्तों बाद में जब ओटीटी पर रिलीज हुआ था, उसी वक्त से उस मूवी को पॉजिटिव रिलीज रही थी। आप सभी को बता दें, मैदान मूवी जो बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मूवी है, जिसको को राइट और डायरेक्ट किया था अमित सर ने, और आप सभी को बता दें बोनी कपूर की स्टूडियो जी स्टूडियो पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया गया था, जिसके साथ मूवी लवर्स काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे इस टाइम। और शैतान मूवी के साथ दृश्यम की तीसरी सीक्वल को प्रीमियर में करने के लिए मूवी मेकर्स स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी लंबे वक्त से रेडी हो गए थे इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। और उसके साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कण कण इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, कॉमेंट करिए, ताकि दोस्तों हिंदी मूवी फ़ैन और हिंदी मूवी लवर्स जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए इंतजार में थे, उन सभी के लिए सबसे अच्छी बात होने वाला है। और शैतान मूवी को तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पॉजिटिव इम्पैक्ट रह गया था। और बॉलीवुड की मूवीज़ जैसे कि आप सभी को पता है कि उन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के फ़ैन को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी ऑलरेडी प्रीमियर में भी देखने को मिल गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम इस मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर लवर्स जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के लिए इंतज़ार में कर रहे थे, और उन मूवीज़ के फ़ैन के लिए इस टाइम ये मूवीज़ हम रिलीज़ में लेकर आने वाले हैं, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ इन मूवीज़ आप सभी को आसानी से देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को बता दें, 2023 पर रिलीज़ में आई काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट्स और उनके देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इन दिनों ये सब मूवीज़ के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन के पास शैतान मूवी को देखने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, आप सभी को फुल एचडी प्रीमियर पर इस टाइम देखने को मिलने वाला है। 2024 की इस मूवी को दोस्तों डिजिटल प्रीमियर पर ऑलरेडी रिलीज में कर दिया गया है। आईएमडीबी की तरफ से इतनी बड़ी रेटिंग मिलने के रीजन से
इस मूवी को काफ़ी बार यूट्यूब पर भी सर्च किया गया था और पिछले टाइम सर्चेस की लिस्ट में भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा हुआ था। 2023 पर एनिमल, जवान और पठान की तरह टाइगर 3 ने भी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर काफ़ी अजीब और पॉजिटिव रिस्पॉन्स रही थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बॉलीवुड की मूवीज़ ने धमाका मचा दिया था। और इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवी पुष्पा की टीजर, जो कि पुष्पा द रूल का टीजर ऑलरेडी टेलीकास्ट में आ चुका है, जिसको देखने के बाद काफ़ी सारे लोग हैं जो साउथ मूवीज़ के फैन रह गए थे। उन्होंने इस टाइम लो बजट मूवी हनुमान, जिसका बजट सिर्फ 24 करोड़ के आसपास रही थी, उस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस को देखने के बाद काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड है, साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के फ़ैन हो चुके हैं और उन सभी को इस टाइम ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ गया था। और लोगों की तरफ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने के रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा और इस टाइम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर पर देखने को मिल ही जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, हिंदी प्रीमियर के फ़ैन जो दृश्यम मूवी को ऑलरेडी इन्जॉय कर रहे थे और दृश्यम की सीक्वल जो मलयालम लैंग्वेज पर ऑलरेडी देख लिया था, आप सभी को बता दें अब डायरेक्ट दृश्यम की तीसरी सीक्वल को अजय देवगन सर एज अ डायरेक्टर, उन्होंने डायरेक्ट इस मूवी को तीसरी सीक्वल खुद हिंदी वर्जन पर लेकर आने वाले हैं, जिससे कि इससे पहले उस मूवीज़ की वर्जन मलयालम लैंग्वेज के रिलीज में आने के बाद ही रीमेक किया गया था। पर दोस्तों इस टाइम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इस टाइम आप सभी को डायरेक्ट पॉपुलर मूवी के रिलीज थिएटर पर अजय देवगन सर की लीड कास्टिंग पर ही देखने को मिलेगा, जिसके रीजन से मूवी की और भी ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऑडियंस मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है। इस टाइम उनकी तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आप सभी को देखने को तो मिल ही जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम मूवीज़ फ़ैन जो काफ़ी लंबे वक्त से साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के लिए इंतजार में थे, जो लोगों को साउथ की डायरेक्टिंग पर बनी हुई और उन मूवीज़ के बेस पर बनी हुई पिछले टाइम जवान मूवी, साथ ही साथ कुछ पॉपुलर मूवी ऑलरेडी उनको देखने को मिल चुका है, जिसके रीजन से साउथ और इंडियन इंडस्ट्री की बॉलीवुड की कोलैबोरेशन पर काफ़ी सारे मूवी आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है और काफ़ी सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस टाइम हिंदी सिनेमा की इन पॉपुलर मूवीज़ को, जैसे कि उनकी तरफ से मूवी के बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल गया था और उन मूवीज़ के बारे में अपडेट लोगों को ऑलरेडी मिल गया था, जो काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो के साथ अपडेट में बने रही है, अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी बॉलीवुड की पॉपुलर मूवी हम आप सभी के पास डिजिटली और कनेक्ट इसके साथ और कम्युनिटी टैब पर आप सभी को मूवीज़ को टेलीकास्ट करके दिखाएंगे ही। और उसके साथ साथ कुछ मूवीज़ हैं जिनकी चर्चा ऑलरेडी काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था और दृश्यम की तीसरी सीक्वल के साथ दृश्यम की दूसरी सीक्वल को अभी तक हिंदी प्रीमियर पर रिलीज नहीं किया गया है, जिसका जिक्र ऑलरेडी हो गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम दृश्यम की तीसरी सीक्वल को 2025 पर रिलीज करेंगे, उसके साथ साथ अपकमिंग डेज में मैदान मूवी का रिस्पॉन्स कैसा आएगा उसको देखते हुए इन मूवीज़ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपकमिंग डेज में इन मूवीज़ को एज अ कास्टिंग पर टेलीकास्ट करेंगे, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो फिल्म के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस टाइम हिंदी फिल्म की इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज के लिए, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने कमेंट कर सकती हो, ताकि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए हम काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उन सभी के लिए काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और दोस्तों बता दें, हिंदी सिनेमा की साउथ इंडस्ट्री की 2024 की ईंड तक काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ साथ इस टाइम दोस्तों बता दें, शाहरुख खान सर और सलमान खान सर के फैन, जिन लोगों ने सलमान खान सर की नई मूवी के लिए इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों उन सभी को इस टाइम हिंदी सिनेमा की पॉपुलर मूवी टाइगर 3 के सक्सेसफुल के बाद उनको अब डायरेक्ट इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के साथ उनको अपकमिंग डेज डायरेक्ट थिएटर पर और उस मूवी के साथ OTT प्रीमियर पर रिलीज करने के जिक्र हो गया है। आप सभी को बता रहे, इस टाइम जवान मूवी को जब रिलीज कर दिया था और उसकी टाइम उस मूवी के हिंदी प्रीमियर का चर्चा हो गया था, जो काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हिंदी प्रीमियर के फ़ैन और मूवीज़ के लवर के लिए, जो आप सभी में से कण-कण इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे हो, आप सभी के हिंदी प्रीमियर के फ़ैन के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा बात होने वाला है इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर उन मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारे
नई मूवी भी पसंद आने वाला है, और साथ ही साथ नई मूवी आप सभी को काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार में भी था। और दोस्तों, जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से उन मूवीज़ के हिंदी फिल्में के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी ने हम कह सकती हो, ताकि दोस्तों मैं आप सभी को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के साथ साउथ इंडस्ट्री की हनुमान मूवी, जिसको 2024 पर रिलीज़ करके ही हाल ही में जी स्टूडियो नेटवर्क G5 पर प्रीमियर कर दिया जा चुका है। और जी नेटवर्क वालों जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी फिल्में के लिए इंतज़ार में थे, वो लोग इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर और इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। वीडियो के साथ साथ कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिएगा उन मूवी के साथ जियो नेटवर्क पर हनुमान मूवी के टीजर के साथ, उस मूवी के ऑफिशियली फुल प्रीमियर रिलीज़ हो चुका है। और जियो नेटवर्क की सब्सक्रिप्शन वालों जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी के लिए इस टाइम काफ़ी इन्जॉयमेंट हो गया है। उन सभी को ये काफ़ी पॉपुलर मूवी आसानी से देखने को भी मिल गया है, और हिंदी फिल्म के फ़ैन के लिए इस टाइम ये सब काफ़ी पॉपुलर भी लग जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर हैशटैग शैतान फुल मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। अजय देवगन सर के साल 2024 की हॉरर ड्रामा ब्लॉकबस्टर मूवी शैतान फुल HD पर देखने के लिए इस वीडियो के अंदर आए हो। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शैतान मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में, इस मूवी के ऑफिशियली रिलीज और इस मूवी के यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। दोस्तों, फाइनली इस मूवी को OTT प्रीमियर पर रिलीज कर दिया जा चुका है, जो कि काफ़ी लंबे वक्त से लोग इंतज़ार कर रहे थे इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों, फाइनली दोस्तों शैतान की ऑफिशियल हिंदी प्रीमियर का चर्चा और इस मूवी का रिलीज अपडेट मिल चुका है। आप लोगों में से कन कर इस मूवी को देख चुके हैं या फिर ना, इस वीडियो को लाइक करिए। 2024 की अजय देवगन सर, जानकी और ज्योतिका मैम की लीड कास्ट में, साथ ही साथ एज ए लीड कास्टिंग आर माधवन इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। ऑडियंस की तरफ से 4.3 की रेटिंग मिली हुई वन ऑफ द बेहतरीन और बेस्ट मूवी आप सभी ने कह सकती हो। और काफ़ी सारी नई मूवी में से अजय देवगन सर की पिछले टाइम रिलीज भी बैक टू बैक 3 मूवी सुपरहिट हो चुकी थी, और हाल ही में इस टाइम अजय देवगन सर मैदान नाम की मूवी से इंटर हो चुके हैं बाजार के अंदर। 2024 में इनकी मूवी मैदान हाल ही में रिलीज में आ चुका है, जो कि मूवी अक्षय कुमार सर और टाइगर श्रॉफ सर की मूवी के साथ क्लैश हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 2024 के मैदान मूवी, जिसको ऑडियंस की तरफ से 4.8 की और IMDb की तरफ से 8.9 की शानदार रेटिंग मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से कहीं इस मूवी को ऑलरेडी देख चुके थे, आप हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों हिंदी मूवी लवर्स के लिए इस टाइम ये सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। और मूवी लवर्स और मूवी फैन जो काफ़ी लंबे वक्त से हिंदी सिनेमा के इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे, शैतान मूवी को मैदान मूवी के रिलीज़ के साथ साथ अपडेट कर दिया गया है। और OTT प्रीमियर पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स परचेस करके रखा था, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी में से इनकी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर भी आ गई थी। मैं आप सभी को बता दूं, मैदान मूवी के ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। इसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ सर की मूवी एक ही साथ थिएटर पर रिलीज हुआ था, और उसके साथ साथ दोनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, मैदान मूवी का बजट था सिर्फ 100 करोड़ के आसपास, और दोस्तों जिसने इस दिनों तक 70 करोड़ की, जो कि 17 करोड़ की कलेक्शन कर लिया है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा लो कमाई है, जिसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा हुआ है। आप लोगों में से कन कन को पता है, एक्शन थ्रिलर मूवी को सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले टाइम रिलीज हुई 12th फेल्थ, जो एक सुपर डुपर हिट रही थी, पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी को पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ था। फिर दोस्तों बाद में जब OTT पर रिलीज हुआ था, उसी वक्त से उस मूवी को पॉजिटिव रिलीज रही थी। आप सभी को बता दें, मैदान मूवी जो बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मूवी है, जिसको को राइट और डायरेक्ट किया था अमित सर ने, और आप सभी को बता दें बोनी कपूर की स्टूडियो G स्टूडियो पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया गया था, जिसके साथ मूवी लवर्स काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे इस टाइम। और शैतान मूवी के साथ दृश्यम की तीसरी सीक्वल को प्रीमियर में करने के लिए मूवी मेकर्स स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी लंबे वक्त से रेडी हो गए थे इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। और उसके साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कौन कौन इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, कमेंट करिए, ताकि दोस्तों हिंदी मूवी फ़ैन और
हिंदी मूवी लवर्स जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी के लिए सबसे अच्छी बात होने वाला है। और शैतान मूवी को तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पॉजिटिव इम्पैक्ट रह गया था। और बॉलीवुड की मूवीज़ जैसे कि आप सभी को पता है कि उन मूवीज़ के हिंदी फिल्में के फ़ैन को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी ऑलरेडी प्रीमियर में भी देखने को मिल गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस टाइम इस मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर लवर्स जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के लिए इंतज़ार में कर रहे थे और उन मूवीज़ के फ़ैन के लिए इस टाइम ये मूवीज़ हम रिलीज़ में लेकर आने वाले हैं जो आप सभी के लिए सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स आप कमेंट कर सकते हो ताकि दोस्तों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ इन मूवीज़ आप सभी को आसानी से देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को बता दें 2023 पर रिलीज़ में आई काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट्स और उनके देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इन दिनों ये सब मूवीज़ के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों में से कण कण के पास शैतान मूवी को देखने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर इस टाइम देखने को मिलने वाला है। 2024 की इस मूवी को दोस्तों डिजिटल प्रीमियर पर ऑलरेडी रिलीज़ में कर दिया गया है। IMDb की तरफ से इतनी बड़ी रेटिंग मिलने के रीज़न से इस मूवी को काफ़ी बार YouTube पर भी सर्च किया गया था और पिछले टाइम सर्चेस की लिस्ट में भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा हुआ था। 2023 पर एनिमल, जवान और पठान की तरह टाइगर 3 ने भी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर काफ़ी अजीब और पॉजिटिव रिस्पॉन्स रही थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बॉलीवुड की मूवीज़ ने धमाका मचा दिया था। और इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवी पुष्पा की टीज़र जो कि पुष्पा द रूल का टीज़र ऑलरेडी टेलीकास्ट में आ चुका है, जिसको देखने के बाद काफ़ी सारे लोग हैं जो साउथ मूवीज़ के फ़ैन रह गए थे। उन्होंने इस टाइम लो बजटेड मूवी हनुमान जिसका बजट सिर्फ 24 करोड़ के आसपास रही थी उस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस को देखने के बाद काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड है, साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के फ़ैन हो चुकी है और उन सभी को इस टाइम ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ गया था। और लोगों की तरफ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने के रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा और इस टाइम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी फिल्मर पर देखने को मिल ही जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को मैं बताना चाहूँगा हिंदी फिल्मर के फ़ैन जो दृश्यम मूवी को ऑलरेडी इन्जॉय कर रहे थे और दृश्यम की सीक्वल जो मलयालम लैंग्वेज पर ऑलरेडी देख लिया था, आप सभी को बता दें अब डायरेक्ट दृश्यम की तीसरी सीक्वल को अजय देवगन सर एज अ डायरेक्टर उन्होंने डायरेक्ट उस मूवी को तीसरी सीक्वल खुद हिंदी वर्जन पर लेकर आने वाले हैं, जिससे कि इससे पहले उस मूवीज़ की वर्जन मलयालम लैंग्वेज के रिलीज में आने के बाद ही रीमेक किया गया था। पर दोस्तों इस टाइम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इस टाइम आप सभी को डायरेक्ट पॉपुलर मूवी के रिलीज थिएटर पर अजय देवगन सर की लीड कास्टिंग पर ही देखने को मिलेगा, जिसके रीजन से मूवी की और भी ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ने वाला है क्योंकि दोस्तों ऑडियंस मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है। इस टाइम उनकी तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट जो आप सभी को देखने को तो मिल ही जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस टाइम मूवीज़ फ़ैन जो काफ़ी लंबे वक्त से साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के लिए इंतज़ार में थे, जो लोगों को साउथ की डायरेक्टिंग पर बनी हुई और उन मूवीज़ के बेस पर बनी हुई पिछले टाइम जवान मूवी साथ ही साथ कुछ पॉपुलर मूवी ऑलरेडी उनको देखने को मिल चुका है, जिसके रीजन से साउथ और इंडियन इंडस्ट्री की बॉलीवुड की कोलैबोरेशन पर काफ़ी सारे मूवी आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है और काफ़ी सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस टाइम हिंदी सिनेमा के इन पॉपुलर मूवीज़ को, जैसे कि उनकी तरफ से मूवी के बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल गया था और उन मूवीज़ के बारे में अपडेट लोगों को ऑलरेडी मिल गया था, जो काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिए, अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी बॉलीवुड की पॉपुलर मूवी हम आप सभी के पास डिजिटली और कनेक्ट के साथ और कम्युनिटी टैब पर आप सभी को उन मूवीज़ को टेलीकास्ट करके दिखाएंगे ही। और उसके साथ साथ कुछ मूवीज़ हैं जिनकी चर्चा ऑलरेडी काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था और दृश्यम की तीसरी सीक्वल के साथ दृश्यम की दूसरी सीक्वल को अभी तक हिंदी फिल्में पर रिलीज नहीं किया गया है, जिसका जिक्र ऑलरेडी हो गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस टाइम दृश्यम की तीसरी सीक्वल को 2025 पर रिलीज करेंगे, उसके साथ साथ अपकमिंग डेज में मैदान मूवी का रिस्पॉन्स कैसा आएगा उसको देखते हुए इन मूवीज़ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपकमिंग डेज में इन मूवीज़ को एज अ कास्टिंग पर टेलीकास्ट करेंगे, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो फिल्में के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस टाइम हिंदी फिल्में की इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज के लिए जो आप सभी के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कमेंट कर सकते हो ताकि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए हम काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो उन सभी के लिए काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और दोस्तों बता दें हिंदी सिनेमा की साउथ इंडस्ट्री की 2024 की इंड तक काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है और उसके साथ साथ
इस टाइम दोस्तों बता दें, शाहरुख खान सर और सलमान खान सर के फैन जिन लोगों ने सलमान खान सर की नई मूवी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों उन सभी को इस टाइम हिंदी सिनेमा की पॉपुलर मूवी टाइगर 3 के सक्सेसफुल के बाद उनको अब डायरेक्ट इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के साथ उनको अपकमिंग डील्स डायरेक्ट थिएटर पर और उस मूवी के साथ OTT प्रीमियर पर रिलीज करने के जिक्र हो गया है। आप सभी को बता दें, इस टाइम जवान मूवी को जब रिलीज कर दिया था और उसके टाइम उस मूवी के हिंदी प्रीमियर का चर्चा हो गया था, जो काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हिंदी प्रीमियर के फ़ैन और मूवीज़ के लवर के लिए, जो आप सभी में से कण कण इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे हो, आप सभी के हिंदी प्रीमियर के फ़ैन के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा बात होने वाला है इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर उन मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारे नए मूवी भी पसंद आने वाला है, और साथ ही साथ नई मूवी आप सभी को काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार में भी था। और दोस्तों जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से उन मूवीज़ के हिंदी फिल्में के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी ने हम कह सकती हो, ताकि दोस्तों मैं आप सभी को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के साथ साउथ इंडस्ट्री की हनुमान मूवी, जिसको 2024 पर रिलीज़ करके ही हाल ही में जी स्टूडियो नेटवर्क G5 पर प्रीमियर कर दिया जा चुका है, और जी नेटवर्क वालों जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी फिल्में के लिए इंतज़ार में थे, वो लोग इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर और इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। वीडियो के साथ साथ कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिएगा, उन मूवी के साथ जियो नेटवर्क पर हनुमान मूवी के टीज़र के साथ उस मूवी के ऑफिशियली फुल प्रीमियर रिलीज़ हो चुका है, और जियो नेटवर्क की सब्सक्रिप्शन वालों जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी के लिए इस टाइम काफ़ी इन्जॉयमेंट हो गया है, उन सभी को ये काफ़ी पॉपुलर मूवी आसानी से देखने को भी मिल गया है, और हिंदी फिल्म के फ़ैन के लिए इस टाइम ये सब काफ़ी पॉपुलर भी लग जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर हैशटैग शैतान फुल मूवी लिख के कमेंट करना मत भूलिएगा। अजय देवगन सर के साल 2024 की हॉरर ड्रामा ब्लॉकबस्टर मूवी शैतान फुल HD पर देखने के लिए इस वीडियो के अंदर आए हो, तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शैतान मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में, इस मूवी के ऑफिशियली रिलीज और इस मूवी के यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। दोस्तों फाइनली इस मूवी को OTT प्रीमियर पर रिलीज कर दिया जा चुका है, जो कि काफ़ी लंबे वक्त से लोग इंतज़ार कर रहे थे इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों फाइनली दोस्तों शैतान की ऑफिशियल हिंदी प्रीमियर का चर्चा और इस मूवी का रिलीज अपडेट मिल चुका है। आप लोगों में से कण कण इस मूवी को देख चुके हैं या फिर नए, इस वीडियो को लाइक करिए। 2024 की अजय देवगन सर, जानकी और ज्योतिका मैम की लीड कास्ट में, साथ ही साथ एज ए लीड कास्टिंग R माधवन इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। ऑडियंस की तरफ से 4.3 की रेटिंग मिली हुई, वन ऑफ द बेहतरीन और बेस्ट मूवी आप सभी ने कह सकती हो, और काफ़ी सारी नई मूवी में से अजय देवगन सर की पिछले टाइम रिलीज हुई बैक टू बैक 3 मूवीज सुपर हिट हो चुकी थी, और हाल ही में इस टाइम अजय देवगन सर मैदान नाम की मूवी से इंटर हो चुके हैं बाजार के अंदर। 2024 में इनकी मूवी मैदान हाल ही में रिलीज में आ चुका है, जो कि मूवी अक्षय कुमार सर और टाइगर श्रॉफ सर की मूवी के साथ क्लैश हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 2024 के मैदान मूवी जिसको ऑडियंस की तरफ से 4.8 की और IMDb की तरफ से 8.9 की शानदार रेटिंग मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से कहीं इस मूवी को ऑलरेडी देख चुके थे, आप हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों हिंदी मूवी लवर्स के लिए इस टाइम ये सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है, और मूवी लवर्स और मूवी फैन जो काफ़ी लंबे वक्त से हिंदी सिनेमा के इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे, शैतान मूवी को मैदान मूवी के रिलीज़ के साथ साथ अपडेट कर दिया गया है, और OTT प्रीमियर पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स परचेज करके रखा था, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी में से इनकी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर भी आ गई थी। मैं आप सभी को बता दूँ, मैदान मूवी के ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, उसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ सर की मूवी एक ही साथ थिएटर पर रिलीज हुआ था, और उसके साथ साथ दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। दोस्तों आप सभी को बता दें, मैदान मूवी का बजट था सिर्फ 100 करोड़ के आसपास, और दोस्तों जिसने इस दिनों तक 70 करोड़ की, जो कि 17 करोड़ की कलेक्शन कर लिया है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा लो कमाई है, जिसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा हुआ है।
आप लोगों में से कन कन को पता है, एक्शन थ्रिलर मूवी को सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले टाइम रिलीज हुई 12th हेल्थ जो एक सुपर डुपर हिट रही थी, पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी को पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ था। फिर भी दोस्तों बाद में जब OTT पर रिलीज हुआ था उसी वक्त से उस मूवी को पॉजिटिव रिलीज रही थी। आप सभी को बता दें, मेहदान मूवी जो बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मूवी है जिसको को राइट और डायरेक्ट किया था अमित सर ने, और आप सभी को बता दें बोनी कपूर की स्टूडियो जी स्टूडियो पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया गया था, जिसके साथ मूवी लवर्स काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे इस टाइम। और शैतान मूवी के साथ दृश्यम की तीसरी सीक्वल को प्रीमियर में करने के लिए मूवी मेकर्स स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी लंबे वक्त से रेडी हो गए थे इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। और उसके साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कौन कौन इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, कॉमेंट करिए, ताकि दोस्तों हिंदी मूवी फ़ैन और हिंदी मूवी लवर्स जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी के लिए सबसे अच्छी बात होने वाला है। और शैतान मूवी को तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पॉजिटिव इम्पैक्ट रह गया था। और बॉलीवुड की मूवीज़ जैसे कि आप सभी को पता है कि उन मूवीज़ के हिंदी फिल्में के फ़ैन को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी ऑलरेडी प्रीमियर में भी देखने को मिल गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम इस मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर लवर्स जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के लिए इंतज़ार में कर रहे थे, और उन मूवीज़ के फ़ैन के लिए इस टाइम ये मूवीज़ हम रिलीज़ में लेकर आने वाले हैं, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स आप कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ इन मूवीज़ आप सभी को आसानी से देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को बता दें, 2023 पर रिलीज़ में आई काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट्स और उनके देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इन दिनों ये सब मूवीज़ के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन के पास शैतान मूवी को देखने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर इस टाइम देखने को मिलने वाला है। 2024 की इस मूवी को दोस्तों डिजिटल प्रीमियर पर ऑलरेडी रिलीज़ में कर दिया गया है। IMDb की तरफ से इतनी बड़ी रेटिंग मिलने के रीज़न से इस मूवी को काफ़ी बार YouTube पर भी सर्च किया गया था, और पिछले टाइम सर्चेस की लिस्ट में भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा हुआ था। 2023 पर एनिमल, जवान और पठान की तरह टाइगर 3 ने भी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर काफ़ी अजी और पॉजिटिव रिस्पॉन्स रही थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बॉलीवुड की मूवीज़ ने धमाका मचा दिया था। और इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवी पुष्पा की टीज़र, जो कि पुष्पा द रूल का टीज़र ऑलरेडी टेलीकास्ट में आ चुका है, जिसको देखने के बाद काफ़ी सारे लोग हैं जो साउथ मूवीज़ के फ़ैन रह गए थे, उन्होंने इस टाइम लो बजट मूवी हनुमान, जिसका बजट सिर्फ 24 करोड़ के आसपास रही थी, उस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस को देखने के बाद काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड है, साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के फ़ैन हो चुकी है, और उन सभी को इस टाइम ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ गया था। और लोगों की तरफ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने के रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, और इस टाइम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी फिल्म पर देखने को मिल ही जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, हिंदी फिल्म के फ़ैन जो दृश्यम मूवी को ऑलरेडी इन्जॉय कर रहे थे, और दृश्यम की सीक्वल जो मलयालम लैंग्वेज पर ऑलरेडी देख लिया था, आप सभी को बता दें अब डायरेक्ट दृश्यम की तीसरी सीक्वल को अजय देवगन सर एज अ डायरेक्टर, उन्होंने डायरेक्ट उस मूवी को तीसरी सीक्वल खुद हिंदी वर्जन पर लेकर आने वाले हैं, जिससे कि इससे पहले उस मूवीज़ की वर्जन मलयालम लैंग्वेज के रिलीज में आने के बाद ही रीमेक किया गया था। पर दोस्तों इस टाइम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इस टाइम आप सभी को डायरेक्ट पॉपुलर मूवी के रिलीज थिएटर पर अजय देवगन सर की लीड कास्टिंग पर ही देखने को मिलेगा, जिसके रीज़न से मूवी की और भी ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऑडियंस मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है इस टाइम, उनकी तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आप सभी को देखने को तो मिल ही जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम मूवीज़ फ़ैन जो काफ़ी लंबे वक्त से साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के लिए इंतज़ार में थे, जो लोगों को साउथ की डायरेक्टिंग पर बनी हुई और उन मूवीज़ के बेस पर बनी हुई पिछले टाइम जवान मूवी, साथ ही साथ कुछ पॉपुलर मूवी ऑलरेडी उनको देखने को मिल चुका है, जिसके रीज़न से साउथ और इंडियन इंडस्ट्री की बॉलीवुड की कोलैबोरेशन पर काफ़ी सारे मूवी आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है, और काफ़ी सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस टाइम हिंदी सिनेमा की इन पॉपुलर मूवीज़ को, जैसे कि उनकी तरफ से मूवी के बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल गया था, और उन मूवीज़ के बारे में अपडेट लोगों को ऑलरेडी मिल गया था, जो काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिए, अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी बॉलीवुड की पॉपुलर मूवी हम आप सभी के पास डिजिटली और कनेक्ट के साथ और कम्युनिटी टैब पर आप सभी को
उन मूवीज़ को टेलीकास्ट करके दिखाएंगे ही, और उसके साथ साथ कुछ मूवीज़ हैं जिनके चर्चे ऑलरेडी काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था, और दृश्यम की तीसरी सिकल के साथ दृश्यम की दूसरी सिकल को अभी तक हिंदी प्रीमियर पर रिलीज नहीं किया गया है, जिसका जिक्र ऑलरेडी हो गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस टाइम दृश्यम के तीसरी सिकल को 2025 पर रिलीज करेंगे, उसके साथ साथ अपकमिंग डेज में मैदान मूवी का रिस्पॉन्स कैसा आएगा उसको देखते हुए इन मूवीज़ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपकमिंग डेज में इन मूवीज़ को एज अ कास्टिंग पर टेलीकास्ट करेंगे, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो प्रीमियर के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस टाइम हिंदी प्रीमियर की इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज़ के लिए, जो आप सभी के लिए सबसे सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने कमेंट कर सकती हो, ताकि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए हम काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उन सभी के लिए काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और दोस्तों बता दें, हिंदी सिनेमा की साउथ इंडस्ट्री की 2024 की इन तक काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है, और उसके साथ साथ इस टाइम दोस्तों बता दें, शाहरुख खान सर और सलमान खान सर के फैन जिन लोगों ने सलमान खान सर की नई मूवी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों उन सभी को इस टाइम हिंदी सिनेमा की पॉपुलर मूवी टाइगर 3 के सक्सेसफुल के बाद उनको अब डायरेक्ट इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के साथ उनको अपकमिंग डेज डायरेक्ट थिएटर पर और उस मूवी के साथ OTT प्रीमियर पर रिलीज़ करने के जिक्र हो गया है। आप सभी को बता रहे, इस टाइम जवान मूवी को जब रिलीज़ कर दिया था और उसके टाइम उस मूवी के हिंदी प्रीमियर का चर्चा हो गया था, जो काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हिंदी प्रीमियर के फ़ैन और मूवीज़ के लवर के लिए, जो आप सभी में से कन-कन इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे हो, आप सभी के हिंदी प्रीमियर के फ़ैन के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा बात होने वाला है इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर उन मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारे नए मूवी भी पसंद आने वाला है, और साथ ही साथ नए मूवी आप सभी को काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार में भी था। और दोस्तों जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से उन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी ने हम कह सकती हो, ताकि दोस्तों मैं आप सभी को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के साथ साउथ इंडस्ट्री की हनुमान मूवी, जिसको 2024 पर रिलीज़ करके ही हाल ही में जी स्टूडियो नेटवर्क G5 पर प्रीमियर कर दिया जा चुका है, और जी नेटवर्क वालों जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार में थे, वो लोग इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर और इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। वीडियो के साथ साथ कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिएगा उन मूवी के साथ जियो नेटवर्क पर हनुमान मूवी के टीजर के साथ उस मूवी के ऑफिशियली फुल प्रीमियर रिलीज हो चुका है, और जियो नेटवर्क की सब्सक्रिप्शन वालों जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी रिलीज के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी के लिए इस टाइम काफ़ी इन्जॉयमेंट हो गया है, उन सभी को ये काफ़ी पॉपुलर मूवी आसानी से देखने को भी मिल गया है, और हिंदी प्रीमियर के फ़ैन के लिए इस टाइम ये सब काफ़ी पॉपुलर भी लग जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर हैशटैग शैतान फुल मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। अजय देवगन सर के साल 2024 की हॉरर ड्रामा ब्लॉकबस्टर मूवी शैतान फुल HD पर देखने के लिए इस वीडियो के अंदर आए हो, तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शैतान मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में, इस मूवी के ऑफिशियली रिलीज और इस मूवी के यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। दोस्तों फाइनली इस मूवी को OTT प्रीमियर पर रिलीज कर दिया जा चुका है, जो कि काफ़ी लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे थे इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों फाइनली दोस्तों शैतान की ऑफिशियल हिंदी प्रीमियर का चर्चा और इस मूवी का रिलीज अपडेट मिल चुका है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देख चुके हैं या फिर नए स्पीड को लाइक करिए। 2024 की अजय देवगन सर, जानकी और ज्योतिका मैम की लीड कास्ट में, साथ ही साथ एज ए लीड कास्टिंग आर माधवन इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। ऑडियंस की तरफ से 4.3 की रेटिंग मिली हुई, वन ऑफ द बेहतरीन और बेस्ट मूवी आप सभी ने कह सकती हो, और काफी सारी नई मूवी में से अजय देवगन सर की पिछले टाइम रिलीज हुई बैक टू बैक 3 मूवीज सुपरहिट हो चुकी थी, और हाल ही में इस टाइम अजय देवगन सर मैदान नाम की मूवी से इंटर हो चुके हैं बाजार के अंदर। 2024 में इनकी मूवी मैदान हाल ही में रिलीज में आ चुका है, जो कि मूवी अक्षय कुमार सर और टाइगर श्रॉफ सर की मूवी के साथ क्लैश हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 2024 की मैदान मूवी जिसको ऑडियंस की तरफ से 4.8 की और IMDb की तरफ से 8.9 की शानदार रेटिंग मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से कहीं इस मूवी को ऑलरेडी देख चुके थे, आप हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों हिंदी मूवी लवर्स के लिए इस टाइम ये सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है, और मूवी लवर्स और मूवी फैन जो काफ़ी लंबे वक्त से हिंदी सिनेमा के इन मूवीज़ के हिंदी
नाइटमेयर के लिए इंतजार कर रहे थे। शैतान मूवी को मैदान मूवी के रिलीज के साथ साथ अपडेट कर दिया गया है और OTT प्रीमियर पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स परचेज करके रखा था, जिन्होंने इससे पहले काफी सारी पॉपुलर मूवी में से इनकी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर भी आ गई थी। मैं आप सभी को बता दूं, मैदान मूवी के ऑडियंस रिटेंशन काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। इसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की मूवी एक ही साथ थिएटर पर रिलीज हुआ था और उसके साथ साथ दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। दोस्तों आप सभी को बता दें, मैदान मूवी का बजट था सिर्फ 100 करोड़ के आसपास और दोस्तों जिसने इस दिनों तक 70 करोड़ की, जो कि 17 करोड़ की कलेक्शन कर लिया है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा लो कमाई है, जिसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा हुआ है। आप लोगों में से कन कन को पता है, एक्शन थ्रिलर मूवी को सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप सभी को बताया, पिछले टाइम रिलीज हुई 12th जो एक सुपर डुपर हिट रही थी पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी को पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ था। फिर दोस्तों बाद में जब OTT पर रिलीज हुआ था उसी वक्त से उस मूवी को पॉजिटिव रिलीज रही थी। आप सभी को बता दें, मैदान मूवी जो बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मूवी है, जिसको को राइट और डायरेक्ट किया था अमित सर ने, और आप सभी को बता दें बोनी कपूर की स्टूडियो स्टूडियो पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया गया था, जिसके साथ मूवी लवर्स काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे इस टाइम। और शैतान मूवी के साथ दृश्यम की तीसरी सीक्वल को प्रीमियर में करने के लिए मूवी मेकर्स स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी लंबे वक्त से रेडी हो गए थे इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। और उसके साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कौन-कौन इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, कॉमेंट करिए, ताकि दोस्तों हिंदी मूवी फ़ैन और हिंदी मूवी लवर्स जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी के लिए सबसे अच्छी बात होने वाला है। और शैतान मूवी को तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पॉजिटिव इम्पैक्ट रह गया था। और बॉलीवुड की मूवीज़ जैसे कि आप सभी को पता है कि उन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के फ़ैन को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी ऑलरेडी प्रीमियर में भी देखने को मिल गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम इस मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर लवर्स जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के लिए इंतज़ार में कर रहे थे और उन मूवीज़ के फ़ैन के लिए इस टाइम ये मूवीज़ हम रिलीज़ में लेकर आने वाले हैं, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स आप कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ इन मूवीज़ आप सभी को आसानी से देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को बता दें, 2023 पर रिलीज़ में आई काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट्स और उनके देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इन दिनों ये सब मूवीज़ के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन के पास शैतान मूवी को देखने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर इस टाइम देखने को मिलने वाला है। 2024 की इस मूवी को दोस्तों डिजिटल प्रीमियर पर ऑलरेडी रिलीज में कर दिया गया है। IMDb की तरफ से इतनी बड़ी रेटिंग मिलने के रीज़न से इस मूवी को काफ़ी बार यूट्यूब पर भी सर्च किया गया था और पिछले टाइम सर्चेस की लिस्ट में भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा हुआ था। 2023 पर एनिमल, जवान और पठान की तरह टाइगर 3 ने भी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर काफ़ी अजीब और पॉजिटिव रिस्पॉन्स रही थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बॉलीवुड की मूवीज़ ने धमाका मचा दिया था। और इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवी पुष्पा की टीजर, जो कि पुष्पा द रूल का टीजर ऑलरेडी टेलीकास्ट में आ चुका है, जिसको देखने के बाद काफ़ी सारे लोग हैं जो साउथ मूवीज़ के फ़ैन रह गए थे, उन्होंने इस टाइम लो बजट मूवी हनुमान, जिसका बजट सिर्फ 24 करोड़ के आसपास रही थी, उस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस को देखने के बाद काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड है, साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के फ़ैन हो चुकी है। और उन सभी को इस टाइम ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ गया था और लोगों की तरफ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने के रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा। और इस टाइम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर पर देखने को मिल ही जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, हिंदी प्रीमियर के फ़ैन जो दृश्यम मूवी को ऑलरेडी इन्जॉय कर रहे थे और दृश्यम की सीक्वल जो मलयालम लैंग्वेज पर ऑलरेडी देख लिया था, आप सभी को बता दें अब डायरेक्ट दृश्यम की तीसरी सीक्वल को अजय देवगन सर एज अ डायरेक्टर, उन्होंने डायरेक्ट इस मूवी को तीसरी सीक्वल खुद हिंदी वर्जन पर लेकर आने वाले हैं, जैसे कि इससे पहले उस मूवीज़ की वर्जन मलयालम लैंग्वेज के रिलीज में आने के बाद ही रीमेक किया गया था।
पर दोस्तों इस टाइम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस टाइम आप सभी को डायरेक्ट पॉपुलर मूवी के रिलीज थिएटर पर अजय देवगन सर की लीड कास्टिंग पर ही देखने को मिलेगा, जिसके रीजन से मूवी की और भी ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऑडियंस मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है। इस टाइम उनकी तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आप सभी को देखने को तो मिल ही जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम मूवीज़ फैन जो काफ़ी लंबे वक्त से साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के लिए इंतजार में थे, जो लोगों को साउथ की डायरेक्टिंग पर बनी हुई और उन मूवीज़ के बेस पर बनी हुई पिछली टाइम जवान मूवी, साथ ही साथ कुछ पॉपुलर मूवी ऑलरेडी उनको देखने को मिल चुका है, जिसके रीजन से साउथ और इंडियन इंडस्ट्री की बॉलीवुड की कोलैबोरेशन पर काफ़ी सारे मूवी आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है और काफ़ी सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस टाइम हिंदी सिनेमा की इन पॉपुलर मूवीज़ को। जैसे कि उनकी तरफ से मूवी के बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल गया था और उन मूवीज़ के बारे में अपडेट लोगों को ऑलरेडी मिल गया था, जो काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिए, अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी बॉलीवुड की पॉपुलर मूवी हम आप सभी के पास डिजिटली और कनेक्ट इसके साथ और कम्युनिटी टैब पर आप सभी को उन मूवीज़ को टेलीकास्ट करके दिखाएंगे ही। और उसके साथ साथ कुछ मूवीज़ हैं जिनकी चर्चा ऑलरेडी काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था और दृश्यम की तीसरी सीक्वल के साथ दृश्यम की दूसरी सीक्वल को अभी तक हिंदी प्रीमियर पर रिलीज नहीं किया गया है, जिसका जिक्र ऑलरेडी हो गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम दृश्यम के तीसरी सीक्वल को 2025 पर रिलीज करेंगे। उसके साथ साथ अपकमिंग डेज में मैदान मूवी का रेस्पॉन्स कैसा आएगा उसको देखते हुए इन मूवीज़ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपकमिंग डेज में इन मूवीज़ को एज अ कास्टिंग पर टेलीकास्ट करेंगे, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो प्रीमियर के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस टाइम हिंदी प्रीमियर की इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज़ के लिए, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने कमेंट कर सकती हो, ताकि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए हम काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उन सभी के लिए काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और दोस्तों बता दें, हिंदी सिनेमा की साउथ इंडस्ट्री की 2024 की इंड तक काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ साथ इस टाइम दोस्तों बता दें, शाहरुख खान सर और सलमान खान सर के फैन, जिन लोगों ने सलमान खान सर की नई मूवी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों उन सभी को इस टाइम हिंदी सिनेमा की पॉपुलर मूवी टाइगर 3 के सक्सेसफुल के बाद उनको अब डायरेक्ट इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के साथ उनको अपकमिंग डेज डायरेक्ट थिएटर पर और उस मूवी के साथ OTT प्रीमियर पर रिलीज़ करने के जिक्र हो गया है। आप सभी को बता रहे, इस टाइम जवान मूवी को जब रिलीज़ कर दिया था और उसकी टाइम उस मूवी के हिंदी प्रीमियर का चर्चा हो गया था, जो काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हिंदी प्रीमियर के फ़ैन और मूवीज़ के लवर के लिए, जो आप सभी में से कण-कण इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे हो, आप सभी के हिंदी प्रीमियर के फ़ैन के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा बात होने वाला है इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर उन मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारे नए मूवी भी पसंद आने वाला है। और साथ ही साथ नए मूवी आप सभी को काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार में भी था, और दोस्तों जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से उन मूवीज़ के हिंदी फिल्म के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी ने हम कह सकती हो, ताकि दोस्तों मैं आप सभी को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के साथ साउथ इंडस्ट्री की हनुमान मूवी, जिसको 2024 पर रिलीज़ करके ही हाल ही में जी स्टूडियो नेटवर्क G5 पर प्रीमियर कर दिया जा चुका है, और जी नेटवर्क वालों जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी फिल्म के लिए इंतज़ार में थे, वो लोग इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर और इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। वीडियो के साथ साथ कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिएगा, उन मूवी के साथ जियो नेटवर्क पर हनुमान मूवी के टीजर के साथ उस मूवी के ऑफिशियली फुल प्रीमियर रिलीज़ हो चुका है, और जियो नेटवर्क की सब्सक्रिप्शन वालों जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी के लिए इस टाइम काफ़ी इन्जॉयमेंट हो गया है। उन सभी को ये काफ़ी पॉपुलर मूवी आसानी से देखने को भी मिल गया है, और हिंदी फिल्म के फैन के लिए इस टाइम ये सब काफ़ी पॉपुलर भी लग जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में #शैतानफुलमूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। अजय देवगन सर के साल 2024 की हॉरर ड्रामा ब्लॉकबस्टर मूवी शैतान फुल HD पर देखने के लिए स्पीडे के अंदर आए हो, तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए बनाया है। जी हाँ दोस्तों, स्पीडे के अंदर हम बात करने वाले हैं शैतान मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में, इस मूवी के ऑफिशियली रिलीज और इस मूवी के यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। दोस्तों फाइनली इस मूवी को OTT प्रीमियर पर रिलीज कर दिया जा चुका है, जो कि काफ़ी लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे थे इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों फाइनली दोस्तों शैतान
की ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर का चर्चा। इस मूवी का रिलीज अपडेट मिल चुका है। आप लोगों में से कनकर इस मूवी को देख चुके हैं या फिर नए वीडियो को लाइक करिए। 2024 की अजय देवगन सर, जानकी और ज्योतिका मैम की लीड कास्ट में, साथ ही साथ एज ए लीड कास्टिंग आर माधवन इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। ऑडियंस की तरफ से 4.3 की रेटिंग मिली हुई, वन ऑफ द बेहतरीन और बेस्ट मूवी आप सभी ने कह सकते हो। और काफी सारी नई मूवी में से अजय देवगन सर की पिछले टाइम रिलीज भी बैक टू बैक 3 मूवी सुपरहिट हो चुकी थी। और हाल ही में इस टाइम अजय देवगन सर मैदान नाम की मूवी से इंटर हो चुके हैं बाजार के अंदर। 2024 में इनकी मूवी मैदान हाल ही में रिलीज भी आ चुका है, जो कि मूवी अक्षय कुमार सर और टाइगर श्रॉफ सर की मूवी के साथ क्लैश हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 2024 की मैदान मूवी जिसको ऑडियंस की तरफ से 4.8 की और IMDb की तरफ से 8.9 की शानदार रेटिंग मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से कभी इस मूवी को ऑलरेडी देख चुके थे, आप हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों हिंदी मूवी लवर्स के लिए इस टाइम ये सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। और मूवी लवर्स और मूवी फैन जो काफ़ी लंबे वक्त से हिंदी सिनेमा की इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, शैतान मूवी को मैदान मूवी के रिलीज़ के साथ साथ अपडेट कर दिया गया है। और OTT प्रीमियर पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स परचेज करके रखा था, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी में से इनकी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर भी आ गई थी। मैं आप सभी को बता दूँ, मैदान मूवी के ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। उसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ सर की मूवी एक ही साथ थिएटर पर रिलीज हुआ था, और उसके साथ साथ दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। दोस्तों आप सभी को बता दें, मैदान मूवी का बजट था सिर्फ 100 करोड़ के आसपास, और दोस्तों जिसने इस दिनों तक 70 करोड़ की, जो कि 17 करोड़ की कलेक्शन कर लिया है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा लो कमाई है, जिसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा हुआ है। आप लोगों में से कनकन को पता है, एक्शन थ्रिलर मूवी को सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले टाइम रिलीज हुई 12th फेल्थ जो एक सुपर डुपर हिट रही थी, पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी को पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ था। फिर भी दोस्तों बाद में जब OTT पर रिलीज हुआ था, उसी वक्त से उस मूवी को पॉजिटिव रिलीज रही थी। आप सभी को बता दें, मैदान मूवी जो बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मूवी है, जिसको को राइट और डायरेक्ट किया था अमित सर ने, और आप सभी को बता दें बोनी कपूर की स्टूडियो जी स्टूडियो पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया गया था, जिसके साथ मूवी लवर्स काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे इस टाइम। और शैतान मूवी के साथ दृश्यम की तीसरी सीक्वल को प्रीमियर में करने के लिए मूवी मेकर्स स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी लंबे वक्त से रेडी हो गए थे इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। और उसके साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कौन कौन इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, कॉमेंट करिए, ताकि दोस्तों हिंदी मूवी फ़ैन और हिंदी मूवी लवर्स जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी के लिए सबसे अच्छी बात होने वाला है। और शैतान मूवी को तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पॉजिटिव इम्पैक्ट रह गया था। और बॉलीवुड की मूवीज़ जैसे कि आप सभी को पता है कि उन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के फ़ैन को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी ऑलरेडी प्रीमियर में भी देखने को मिल गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम इस मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर लवर्स जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के लिए इंतज़ार में कर रहे थे, और उन मूवीज़ के फ़ैन के लिए इस टाइम ये मूवीज़ हम रिलीज़ में लेकर आने वाले हैं, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स आप कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ इन मूवीज़ आप सभी को आसानी से देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को बता दें, 2023 पर रिलीज़ में आई काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट्स और उनके देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इन दिनों ये सब मूवीज़ के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन के पास शैतान मूवी को देखने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर इस टाइम देखने को मिलने वाला है। 2024 की इस मूवी को दोस्तों डिजिटल प्रीमियर पर ऑलरेडी रिलीज में कर दिया गया है। IMDb की तरफ से इतनी बड़ी रेटिंग मिलने के रीजन से इस मूवी को काफ़ी बार YouTube पर भी सर्च किया गया था, और पिछले टाइम सर्चेज की लिस्ट में भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा हुआ था। 2023 पर एनिमल, जवान और पठान की तरह टाइगर 3 ने भी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर काफ़ी अजीब और पॉजिटिव रिस्पॉन्स रही थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
बॉलीवुड की मूवीज़ ने धमाका मचा दिया था। और इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवी पुष्पा की टीज़र, जो कि पुष्पा द रूट का टीज़र ऑलरेडी टेलीकास्ट में आ चुका है, जिसको देखने के बाद काफ़ी सारे लोग हैं जो साउथ मूवीज़ के फ़ैन रह गए थे, उन्होंने इस टाइम लो बजटेड मूवी हनुमान, जिसका बजट सिर्फ 24 करोड़ के आसपास रही थी, उस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस को देखने के बाद काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड हैं। साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के फ़ैन हो चुकी है और उन सभी को इस टाइम ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ गया था। और लोगों की तरफ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने के रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा और इस टाइम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी फिल्मर पर देखने को मिल ही जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, हिंदी फिल्मर के फ़ैन जो दृश्यम मूवी को ऑलरेडी इन्जॉय कर रहे थे और दृश्यम की सीक्वल जो मलयालम लैंग्वेज पर ऑलरेडी देख लिया था, आप सभी को बता दें अब डायरेक्ट दृश्यम की तीसरी सीक्वल को अजय देवगन सर एज अ डायरेक्टर, उन्होंने डायरेक्ट इस मूवी को तीसरी सीक्वल खुद हिंदी वर्जन पर लेकर आने वाले हैं, जिससे कि इससे पहले उस मूवीज़ की वर्जन मलयालम लैंग्वेज के रिलीज में आने के बाद ही रीमेक किया गया था। पर दोस्तों इस टाइम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इस टाइम आप सभी को डायरेक्ट पॉपुलर मूवी के रिलीज थिएटर पर अजय देवगन सर की लीड कास्टिंग पर ही देखने को मिलेगा, जिसके रीज़न से मूवी की और भी ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऑडियंस मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है इस टाइम, उनकी तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आप सभी को देखने को तो मिल ही जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम मूवीज़ फ़ैन जो काफ़ी लंबे वक्त से साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के लिए इंतजार में थे, जो लोगों को साउथ की डायरेक्टिंग पर बनी हुई और उन मूवीज़ के बेस पर बनी हुई पिछली टाइम जवान मूवी, साथ ही साथ कुछ पॉपुलर मूवी ऑलरेडी उनको देखने को मिल चुका है, जिसके रीजन से साउथ और इंडियन इंडस्ट्री की बॉलीवुड की कोलैबोरेशन पर काफ़ी सारे मूवी आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है और काफ़ी सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस टाइम हिंदी सिनेमा की इन पॉपुलर मूवीज़ को, जैसे कि उनकी तरफ से मूवी के बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल गया था और उन मूवीज़ के बारे में अपडेट लोगों को ऑलरेडी मिल गया था, जो काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिए, अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी बॉलीवुड की पॉपुलर मूवी हम आप सभी के पास डिजिटली और कनेक्ट इसके साथ और कम्युनिटी टैब पर आप सभी को उन मूवीज़ को टेलीकास्ट करके दिखाएंगे ही। और उसके साथ साथ कुछ मूवीज़ हैं जिनकी चर्चा ऑलरेडी काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था और दृश्यम की तीसरी सीक्वल के साथ दृश्यम की दूसरी सीक्वल को अभी तक हिंदी प्रीमियर पर रिलीज नहीं किया गया है, जिसका जिक्र ऑलरेडी हो गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम दृश्यम की तीसरी सीक्वल को 2025 पर रिलीज करेंगे, उसके साथ साथ अपकमिंग डेज में मैदान मूवी का रिस्पॉन्स कैसा आएगा उसको देखते हुए इन मूवीज़ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपकमिंग डेज में इन मूवीज़ को एज अ कास्टिंग पर टेलीकास्ट करेंगे, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो फिल्म के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस टाइम हिंदी फिल्म की इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज के लिए, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए हम काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उन सभी के लिए काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और दोस्तों बता दें, हिंदी सिनेमा की साउथ इंडस्ट्री की 2024 की इंड तक काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ साथ इस टाइम दोस्तों बता दें, शाहरुख खान सर और सलमान खान सर के फ़ैन, जिन लोगों ने सलमान खान सर की नई मूवी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों उन सभी को इस टाइम हिंदी सिनेमा की पॉपुलर मूवी टाइगर 3 के सक्सेसफुल के बाद उनको अब डायरेक्ट इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के साथ उनको अपकमिंग डीज डायरेक्ट थिएटर पर और उस मूवी के साथ OTT फिल्म पर रिलीज़ करने के जिक्र हो गया है। आप सभी को बता दें, इस टाइम जवान मूवी को जब रिलीज़ कर दिया था और उसकी टाइम उस मूवी के हिंदी फिल्म का चर्चा हो गया था, जो काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हिंदी फिल्म के फ़ैन और मूवीज़ के लवर के लिए, जो आप सभी में से कण कण इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे हो, आप सभी के हिंदी फिल्म के फ़ैन के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा बात होने वाला है इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर उन मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारे नए मूवी भी पसंद आने वाला है। और साथ ही साथ नई मूवी आप सभी को काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार में भी था, और दोस्तों जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से उन मूवीज़ के हिंदी फिल्म के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी ने हम कह सकती हो, ताकि दोस्तों मैं आप सभी को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के साथ साउथ इंडस्ट्री की हनुमान मूवी, जिसको 2024 पर रिलीज करके ही हाल ही में जी स्टूडियो नेटवर्क G5 पर प्रीमियर कर दिया जा चुका है। और जी नेटवर्क वालों जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी फिल्म के लिए इंतज़ार में थे, वो लोग इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर और इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। वीडियो के साथ साथ कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिएगा,
मूवी के साथ जियो नेटवर्क पर हनुमान मूवी के टीज़र के साथ उस मूवी के ऑफिशियली फुल फिल्म रिलीज़ हो चुका है। और जियो नेटवर्क की सब्सक्रिप्शन वालों जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी के लिए इस टाइम काफ़ी इन्जॉयमेंट हो गया है। उन सभी को ये काफ़ी पॉपुलर मूवी आसानी से देखने को भी मिल गया है और हिंदी फिल्म के फ़ैन के लिए इस टाइम ये सब काफ़ी पॉपुलर भी लग जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में हैशटैग शैतान फुल मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। अजय देवगन सर के साल 2024 की हॉरर ड्रामा ब्लॉकबस्टर मूवी शैतान फुल एचडी पर देखने के लिए इस वीडियो के अंदर आए हो, तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शैतान मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में, इस मूवी के ऑफिशियली रिलीज और इस मूवी के यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। दोस्तों फाइनली इस मूवी को ओटीटी प्रीमियर पर रिलीज कर दिया जा चुका है, जो कि काफ़ी लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे थे इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों फाइनली दोस्तों शैतान की ऑफिशियल हिंदी प्रीमियर का चर्चा और इस मूवी का रिलीज अपडेट मिल चुका है। आप लोगों में से कन कन इस मूवी को देख चुके हैं या फिर इस वीडियो को लाइक करिए। 2024 की अजय देवगन सर, जानकी और ज्योतिका मैम की लीड कास्ट में, साथ ही साथ एज ए लीड कास्टिंग आर माधवन इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। ऑडियंस की तरफ से 4.3 की रेटिंग मिली हुई वन ऑफ द बेहतरीन और बेस्ट मूवी आप सभी ने कह सकती हो। और काफ़ी सारी नई मूवी में से अजय देवगन सर की पिछले टाइम रिलीज भी बैक टू बैक तीन मूवी सुपर हिट हो चुकी थी और हाल ही में इस टाइम अजय देवगन सर मैदान नाम की मूवी से इंटर हो चुके हैं बाजार के अंदर। 2024 में इनकी मूवी मैदान हाल ही में रिलीज भी आ चुका है, जो कि मूवी अक्षय कुमार सर और टाइगर श्रॉफ सर की मूवी के साथ क्लैश हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 2024 की मैदान मूवी जिसको ऑडियंस की तरफ से 4.8 की और आईएमडीबी की तरफ से 8.9 की शानदार रेटिंग मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से कहीं इस मूवी को ऑलरेडी देख चुके थे, आप हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों हिंदी मूवी लवर्स के लिए इस टाइम ये सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। और मूवी लवर्स और मूवी फैन जो काफ़ी लंबे वक्त से हिंदी सिनेमा की इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, शैतान मूवी को मैदान मूवी के रिलीज़ के साथ साथ अपडेट कर दिया गया है। और ओटीटी प्रीमियर पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स परचेज करके रखा था, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी में से इनकी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर भी आ गई थी। मैं आप सभी को बता दूँ, मैदान मूवी के ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। उसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ सर की मूवी एक ही साथ थिएटर पर रिलीज हुआ था और उसके साथ साथ दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। दोस्तों आप सभी को बता दें, मैदान मूवी का बजट था सिर्फ 100 करोड़ के आसपास और दोस्तों जिसने इस दिनों तक 70 करोड़ की, जो कि 17 करोड़ की कलेक्शन कर लिया है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा लो कमाई है, जिसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा हुआ है। आप लोगों में से कन कन को पता है, एक्शन थ्रिलर मूवी को सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले टाइम रिलीज हुई 12th फेल्थ जो एक सुपर डुपर हिट रही थी, पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी को पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ था। फिर दोस्तों बाद में जब ओटीटी पर रिलीज हुआ था, उसी वक्त से उस मूवी को पॉजिटिव रिलीज रही थी। आप सभी को बता दें, मैदान मूवी जो बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मूवी है, जिसको को राइट और डायरेक्ट किया था अमित सर ने। और आप सभी को बता दें, बोनी कपूर की स्टूडियो जी स्टूडियो पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया गया था, जिसके साथ मूवी लवर्स काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे इस टाइम। और शैतान मूवी के साथ दृश्यम की तीसरी सीक्वल को प्रीमियर में करने के लिए मूवी मेकर्स स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी लंबे वक्त से रेडी हो गए थे इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। और उसके साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कौन कौन इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, कॉमेंट करिए, ताकि दोस्तों हिंदी मूवी फ़ैन और हिंदी मूवी लवर्स जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनर के मूवीज़ के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी के लिए सबसे अच्छी बात होने वाला है। और शैतान मूवी को तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पॉजिटिव इम्पैक्ट रह गया था। और बॉलीवुड की मूवीज़, जैसे कि आप सभी को पता है कि उन मूवीज़ के हिंदी फिल्में के फ़ैन को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी ऑलरेडी प्रीमियर में भी देखने को मिल गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम
इस मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर लवर्स जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के लिए इंतज़ार में कर रहे थे और उन मूवीज़ के फ़ैन के लिए इस टाइम ये मूवीज़ हम रिलीज़ में लेकर आने वाले हैं, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स आप कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ इन मूवीज़ आप सभी को आसानी से देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को 2023 पर रिलीज़ में आई काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट्स और उनके देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो रहे हैं इन दिनों ये सब मूवीज़ के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन के पास शैतान मूवी को देखने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर इस टाइम देखने को मिलने वाला है 2024 की इस मूवी को। दोस्तों डिजिटल प्रीमियर पर ऑलरेडी रिलीज़ में कर दिया गया है, IMDb की तरफ से इतनी बड़ी रेटिंग मिलने के रीज़न से इस मूवी को काफ़ी बार YouTube पर भी सर्च किया गया था और पिछले टाइम सर्चेज की लिस्ट में भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा हुआ था। 2023 पर एनिमल, जवान और पठान की तरह टाइगर 3 ने भी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर काफ़ी अजी और पॉजिटिव रिस्पॉन्स रही थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बॉलीवुड की मूवीज़ ने धमाका मचा दिया था। और इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवी पुष्पा की टीजर, जो कि पुष्पा द रूल का टीजर ऑलरेडी टेलीकास्ट में आ चुका है, जिसको देखने के बाद काफ़ी सारे लोग हैं जो साउथ मूवीज़ के फ़ैन रह गए थे, उन्होंने इस टाइम लो बजट मूवी हनुमान, जिसका बजट सिर्फ 24 करोड़ के आसपास रही थी, उस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस को देखने के बाद काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड है, साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के फ़ैन हो चुकी है और उन सभी को इस टाइम ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ गया था। और लोगों की तरफ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने के रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा और इस टाइम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर पर देखने को मिल ही जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, हिंदी प्रीमियर के फ़ैन जो दृश्यम मूवी को ऑलरेडी इन्जॉय कर रहे थे और दृश्यम की सीक्वल जो मलयालम लैंग्वेज पर ऑलरेडी देख लिया था, आप सभी को बता दें अब डायरेक्ट दृश्यम की तीसरी सीक्वल को अजय देवगन सर एज अ डायरेक्टर, उन्होंने डायरेक्ट उस मूवी को तीसरी सीक्वल खुद हिंदी वर्जन पर लेकर आने वाले हैं, जैसे कि इससे पहले उस मूवीज़ की वर्जन मलयालम लैंग्वेज के रिलीज में आने के बाद ही रीमेक किया गया था। पर दोस्तों इस टाइम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इस टाइम आप सभी को डायरेक्ट पॉपुलर मूवी के रिलीज थिएटर पर अजय देवगन सर के लीड कास्टिंग पर ही देखने को मिलेगा, जिसके रीजन से मूवी की और भी ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऑडियंस मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है इस टाइम, उनकी तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आप सभी को देखने को तो मिल ही जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम मूवीज़ फ़ैन जो काफ़ी लंबे वक्त से साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के लिए इंतजार में थे, जो लोगों को साउथ की डायरेक्टिंग पर बनी हुई और उन मूवीज़ के बेस पर बनी हुई पिछले टाइम जवान मूवी, साथ ही साथ कुछ पॉपुलर मूवी ऑलरेडी उनको देखने को मिल चुका है, जिसके रीजन से साउथ और इंडियन इंडस्ट्री की बॉलीवुड की कोलैबोरेशन पर काफ़ी सारे मूवी आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है और काफ़ी सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस टाइम हिंदी सिनेमा की इन पॉपुलर मूवीज़ को, जैसे कि उनकी तरफ से मूवी के बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल गया था और उन मूवीज़ के बारे में अपडेट लोगों को ऑलरेडी मिल गया था, जो काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिए, अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी बॉलीवुड की पॉपुलर मूवी हम आप सभी के पास डिजिटली और कनेक्ट इसके साथ और कम्युनिटी टैब पर आप सभी को उन मूवीज़ को टेलीकास्ट करके दिखाएंगे ही। और उसके साथ साथ कुछ मूवीज़ हैं जिनकी चर्चा ऑलरेडी काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था और दृश्यम की तीसरी सीक्वल के साथ दृश्यम की दूसरी सीक्वल को अभी तक हिंदी प्रीमियर पर रिलीज नहीं किया गया है, जिसका जिक्र ऑलरेडी हो गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम दृश्यम की तीसरी सीक्वल को 2025 पर रिलीज करेंगे, उसके साथ साथ अपकमिंग डेज में मैदान मूवी का रिस्पॉन्स कैसा आएगा उसको देखते हुए इन मूवीज़ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपकमिंग डेज में इन मूवीज़ को एज अ कास्टिंग पर टेलीकास्ट करेंगे, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो प्रीमियर के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस टाइम हिंदी प्रीमियर की इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज़ के लिए, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए हम काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उन सभी के लिए काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और दोस्तों बता दें, हिंदी सिनेमा की साउथ इंडस्ट्री की 2024 की इन तक काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ साथ इस टाइम दोस्तों बता दें, शाहरुख खान सर और सलमान खान सर के फ़ैन, जिन लोगों ने सलमान खान सर की नई मूवी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों उन सभी को इस टाइम हिंदी सिनेमा की पॉपुलर मूवी टाइगर 3 के सक्सेसफुल के बाद उनको अब डायरेक्ट इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के साथ उनको अपकमिंग डीज डायरेक्ट
थिएटर पर और उस मूवी के साथ OTT प्रीमियर पर रिलीज करने के जिक्र हो गया है। आप सभी को बता दें, इस टाइम जवान मूवी को जब रिलीज कर दिया था और उसकी टाइम उस मूवी के हिंदी प्रीमियर का चर्चा हो गया था, जो काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हिंदी प्रीमियर के फैन और मूवीज़ के लवर के लिए, जो आप सभी में से कण-कण इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे हो, आप सभी के हिंदी प्रीमियर के फैन के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा बात होने वाला है इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारे नए मूवी भी पसंद आने वाला है, और साथ ही साथ नए मूवी आप सभी को काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार में भी था। और दोस्तों, जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से उन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी ने हम कह सकते हो, ताकि दोस्तों मैं आप सभी को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के साथ साउथ इंडस्ट्री की हनुमान मूवी, जिसको 2024 पर रिलीज़ करके ही हाल ही में जी स्टूडियो नेटवर्क G5 पर प्रीमियर कर दिया जा चुका है। और जी नेटवर्क वालों, जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार में थे, वो लोग इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर और इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। वीडियो के साथ साथ कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिएगा, उन मूवी के साथ जियो नेटवर्क पर हनुमान मूवी के टीज़र के साथ उस मूवी के ऑफिशियली फुल प्रीमियर रिलीज़ हो चुका है। और जियो नेटवर्क की सब्सक्रिप्शन वालों, जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी के लिए इस टाइम काफ़ी इन्जॉयमेंट हो गया है। उन सभी को ये काफ़ी पॉपुलर मूवी आसानी से देखने को भी मिल गया है, और हिंदी प्रीमियर के फ़ैन के लिए इस टाइम ये सब काफ़ी पॉपुलर भी लग जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर हैशटैग शैतान फुल मूवी लिख के कमेंट करना मत भूलिएगा। अजय देवगन सर के साल 2024 की हॉरर ड्रामा ब्लॉकबस्टर मूवी शैतान फुल HD पर देखने के लिए इस वीडियो के अंदर आए हो। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शैतान मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में, इस मूवी के ऑफिशियली रिलीज और इस मूवी के यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। दोस्तों, फाइनली इस मूवी को OTT प्रीमियर पर रिलीज कर दिया जा चुका है, जो कि काफ़ी लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे थे इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों, फाइनली दोस्तों शैतान की ऑफिशियल हिंदी प्रीमियर का चर्चा और इस मूवी का रिलीज अपडेट मिल चुका है। आप लोगों में से कनकर इस मूवी को देख चुके हैं या फिर नए, इस वीडियो को लाइक करिए। 2024 की अजय देवगन सर, जानकी और ज्योतिका मैम की लीड कास्ट में, साथ ही साथ एज ए लीड कास्टिंग आर माधवन इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। ऑडियंस की तरफ से 4.3 की रेटिंग मिली हुई, वन ऑफ द बेहतरीन और बेस्ट मूवी आप सभी ने कह सकते हो। और काफी सारी नई मूवी में से अजय देवगन सर की पिछले टाइम रिलीज हुई बैक टू बैक 3 मूवीज सुपर हिट हो चुकी थी, और हाल ही में इस टाइम अजय देवगन सर मैदान नाम की मूवी से इंटर हो चुके हैं बाजार के अंदर। 2024 में इनकी मूवी मैदान हाल ही में रिलीज में आ चुका है, जो कि मूवी अक्षय कुमार सर और टाइगर श्रॉफ सर की मूवी के साथ क्लैश हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 2024 के मैदान मूवी, जिसको ऑडियंस की तरफ से 4.8 की और IMDb की तरफ से 8.9 की शानदार रेटिंग मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से कहीं इस मूवी को ऑलरेडी देख चुके थे, आप हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों हिंदी मूवी लवर्स के लिए इस टाइम ये सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। और मूवी लवर्स और मूवी फैन, जो काफ़ी लंबे वक्त से हिंदी सिनेमा के इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे, शैतान मूवी को मैदान मूवी के रिलीज़ के साथ साथ अपडेट कर दिया गया है। और OTT प्रीमियर पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स परचेज करके रखा था, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी में से इनकी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर भी आ गई थी। मैं आप सभी को बता दूँ, मैदान मूवी की ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। उसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ सर की मूवी एक ही साथ थिएटर पर रिलीज हुआ था, और उसके साथ साथ दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, मैदान मूवी का बजट था सिर्फ 100 करोड़ के आसपास, और दोस्तों जिसने इस दिनों तक 70 करोड़ की, जो कि 17 करोड़ की कलेक्शन कर लिया है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा लो कमाई है, जिसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा हुआ है। आप लोगों में से कनकन को पता है, एक्शन थ्रिलर मूवी को सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले टाइम रिलीज हुई 12th, जो एक सुपर डुपर हिट रही थी, पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी को पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ था। फिर दोस्तों बाद में जब OTT पर रिलीज हुआ था, उसी वक्त से उस मूवी को पॉजिटिव
रिलीज रही थी। आप सभी को बता दें मैदान मूवी जो बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मूवी है जिसको को राइट और डायरेक्ट किया था अमित सर ने। और आप सभी को बता दें बोनी कपूर की स्टूडियो जी स्टूडियो पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया गया था जिसके साथ मूवी लवर्स काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे इस टाइम। और शैतान मूवी के साथ दृश्यम की तीसरी सीक्वल को प्रीमियर में करने के लिए मूवी मेकर्स स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी लंबे वक्त से रेडी हो गए थे इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। और उसके साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कौन कौन इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, कमेंट करिए ताकि दोस्तों हिंदी मूवी फ़ैन और हिंदी मूवी लवर्स जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए इंतज़ार में थे उन सभी के लिए सबसे अच्छी बात होने वाला है। और शैतान मूवी को तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पॉजिटिव इम्पैक्ट रह गया था। और बॉलीवुड की मूवीज़ जैसे कि आप सभी को पता है कि उन मूवीज़ के हिंदी फिल्म के फ़ैन को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी ऑलरेडी प्रीमियर में भी देखने को मिल गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस टाइम इस मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर लवर्स जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के लिए इंतज़ार में कर रहे थे और उन मूवीज़ के फ़ैन के लिए इस टाइम ये मूवीज़ हम रिलीज़ में लेकर आने वाले हैं जो आप सभी के लिए सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स आप कमेंट कर सकते हो ताकि दोस्तों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ इन मूवीज़ आप सभी को आसानी से देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को बता दें 2023 पर रिलीज़ में आई काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट्स और उनके देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इन दिनों ये सब मूवीज़ के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों में से कण कण के पास शैतान मूवी को देखने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर इस टाइम देखने को मिलने वाला है। 2024 की इस मूवी को दोस्तों डिजिटल प्रीमियर पर ऑलरेडी रिलीज में कर दिया गया है। IMDb की तरफ से इतनी बड़ी रेटिंग मिलने के रीज़न से इस मूवी को काफ़ी बार यूट्यूब पर भी सर्च किया गया था और पिछले टाइम सर्चेस की लिस्ट में भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा हुआ था। 2023 पर एनिमल जवान और पठान की तरह टाइगर 3 ने भी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर काफ़ी अजीब और पॉजिटिव रिस्पॉन्स रही थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बॉलीवुड की मूवीज़ ने धमाका मचा दिया था। और इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवी पुष्पा की टीजर जो कि पुष्पा द रूल का टीजर ऑलरेडी टेलीकास्ट में आ चुका है जिसको देखने के बाद काफ़ी सारे लोग हैं जो साउथ मूवीज़ के फ़ैन रह गए थे उन्होंने इस टाइम लो बजट मूवी हनुमान जिसका बजट सिर्फ 24 करोड़ के आसपास रही थी उस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस को देखने के बाद काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड है साउथ इंडस्ट्री के मूवीज़ के फ़ैन हो चुके हैं और उन सभी को इस टाइम ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ गया था। और लोगों की तरफ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने के रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा और इस टाइम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी फिल्मर पर देखने को मिल ही जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को मैं बताना चाहूँगा हिंदी फिल्मर के फ़ैन जो दृश्यम मूवी को ऑलरेडी इन्जॉय कर रहे थे और दृश्यम की सीक्वल जो मलयालम लैंग्वेज पर ऑलरेडी देख लिया था आप सभी को बता दें अब डायरेक्ट दृश्यम की तीसरी सीक्वल को अजय देवगन सर एज अ डायरेक्टर उन्होंने डायरेक्ट उस मूवी को तीसरी सीक्वल खुद हिंदी वर्जन पर लेकर आने वाले हैं जैसे कि इससे पहले उस मूवीज़ की वर्जन मलयालम लैंग्वेज के रिलीज में आने के बाद ही रीमेक किया गया था। पर दोस्तों इस टाइम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इस टाइम आप सभी को डायरेक्ट पॉपुलर मूवी के रिलीज थिएटर पर अजय देवगन सर के लीड कास्टिंग पर ही देखने को मिलेगा जिसके रीज़न से मूवी की और भी ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ने वाला है क्योंकि दोस्तों ऑडियंस मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है इस टाइम उनकी तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आप सभी को देखने को तो मिल ही जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस टाइम मूवीज़ फ़ैन जो काफ़ी लंबे वक्त से साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के लिए इंतज़ार में थे जो लोगों को साउथ की डायरेक्टिंग पर बनी हुई और उन मूवीज़ के बेस पर बनी हुई पिछली टाइम जवान मूवी साथ ही साथ कुछ पॉपुलर मूवी ऑलरेडी उनको देखने को मिल चुका है जिसके रीजन से साउथ और इंडियन इंडस्ट्री की बॉलीवुड की कोलैबोरेशन पर काफ़ी सारे मूवी आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है और काफ़ी सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस टाइम हिंदी सिनेमा के इन पॉपुलर मूवीज़ को जैसे कि उनकी तरफ से मूवी के बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल गया था और उन मूवीज़ के बारे में अपडेट लोगों को ऑलरेडी मिल गया था जो काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिए अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी बॉलीवुड की पॉपुलर मूवी हम आप सभी के पास डिजिटली और कनेक्ट इसके साथ और कम्युनिटी टैब पर आप सभी को
उन मूवीज़ को टेलीकास्ट करके दिखाएंगे ही, और उसके साथ साथ कुछ मूवीज़ हैं जिनके चर्चे ऑलरेडी काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था, और दृश्यम की तीसरी सीक्वल के साथ दृश्यम की दूसरी सीक्वल को अभी तक हिंदी फिल्में पर रिलीज़ नहीं किया गया है, जिसका जिक्र ऑलरेडी हो गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस टाइम दृश्यम की तीसरी सीक्वल को 2025 पर रिलीज़ करेंगे, उसके साथ साथ अपकमिंग डेज में मैदान मूवी का रिस्पॉन्स कैसा आएगा उसको देखते हुए इन मूवीज़ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपकमिंग डेज में इन मूवीज़ को एज अ कास्टिंग पर टेलीकास्ट करेंगे, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो फिल्में के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस टाइम हिंदी फिल्में की इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज़ के लिए, जो आप सभी के लिए सबसे सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने कमेंट कर सकती हो, ताकि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए हम काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उन सभी के लिए काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और दोस्तों बता दें, हिंदी सिनेमा की साउथ इंडस्ट्री की 2024 की एंड तक काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है, और उसके साथ साथ इस टाइम दोस्तों बता दें, शाहरुख खान सर और सलमान खान सर के फैन जिन लोगों ने सलमान खान सर की नई मूवी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों उन सभी को इस टाइम हिंदी सिनेमा की पॉपुलर मूवी टाइगर 3 के सक्सेसफुल के बाद उनको अब डायरेक्ट इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के साथ उनको अपकमिंग डेज डायरेक्ट थिएटर पर और उस मूवी के साथ OTT प्रीमियर पर रिलीज़ करने का जिक्र हो गया है। आप सभी को बता रहे, इस टाइम जवान मूवी को जब रिलीज़ कर दिया था और उसके टाइम उस मूवी के हिंदी प्रीमियर का चर्चा हो गया था, जो काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हिंदी प्रीमियर के फ़ैन और मूवीज़ के लवर के लिए, जो आप सभी में से कण कण इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे हो, आप सभी के हिंदी फिल्मर के फ़ैन के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा बात होने वाला है इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर उन मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारे नए मूवी भी पसंद आने वाला है, और साथ ही साथ नए मूवी आप सभी को काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार में भी था। और दोस्तों जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से उन मूवीज़ के हिंदी फिल्में के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी ने हम कह सकती हो, ताकि दोस्तों मैं आप सभी को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के साथ साउथ इंडस्ट्री की हनुमान मूवी, जिसको 2024 पर रिलीज़ करके ही हाल ही में जी स्टूडियो नेटवर्क G5 पर प्रीमियर कर दिया जा चुका है, और जी नेटवर्क वालों जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी फिल्में के लिए इंतज़ार में थे, वो लोग इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर और इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। वीडियो के साथ साथ कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिएगा उन मूवी के साथ जियो नेटवर्क पर हनुमान मूवी के टीजर के साथ उस मूवी के ऑफिशियली फुल प्रीमियर रिलीज़ हो चुका है, और जियो नेटवर्क की सब्सक्रिप्शन वालों जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के इंतज़ार में थे, उन सभी के लिए इस टाइम काफ़ी इन्जॉयमेंट हो गया है, उन सभी को ये काफ़ी पॉपुलर मूवी आसानी से देखने को भी मिल गया है, और हिंदी फिल्मों के फैन के लिए इस टाइम ये सब काफ़ी पॉपुलर भी लग जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में हैशटैग शैतान फुल मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। अजय देवगन सर के साल 2024 की हॉरर ड्रामा ब्लॉकबस्टर मूवी शैतान फुल HD पर देखने के लिए स्पीडे के अंदर आए हो, तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए बनाया है। जी हाँ दोस्तों, स्पीडे के अंदर हम बात करने वाले हैं शैतान मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में, इस मूवी के ऑफिशियली रिलीज और इस मूवी के यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। दोस्तों फाइनली इस मूवी को OTT प्रीमियर पर रिलीज कर दिया जा चुका है, जो कि काफ़ी लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे थे इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों फाइनली दोस्तों शैतान की ऑफिशियल हिंदी प्रीमियर का चर्चा और इस मूवी का रिलीज अपडेट मिल चुका है। आप लोगों में से कण कण इस मूवी को देख चुके हैं या फिर नए, इस वीडियो को लाइक करिए। 2024 की अजय देवगन सर, जानकी और ज्योतिका मैम की लीड कास्ट में, साथ ही साथ एज ए लीड कास्टिंग आर माधवन इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। ऑडियंस की तरफ से 4.3 की रेटिंग मिली हुई, वन ऑफ द बेहतरीन और बेस्ट मूवी आप सभी ने कह सकती हो, और काफ़ी सारी नई मूवी में से अजय देवगन सर की पिछले टाइम रिलीज भी बैक टू बैक 3 मूवी सुपर हिट हो चुकी थी, और हाल ही में इस टाइम अजय देवगन सर मैदान नाम की मूवी से इंटर हो चुके हैं बाजार के अंदर। 2024 में इनकी मूवी मैदान हाल ही में रिलीज में आ चुका है, जो कि मूवी अक्षय कुमार सर और टाइगर श्रॉफ सर की मूवी के साथ क्लैश हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 2024 के मैदान मूवी जिसको ऑडियंस की तरफ से 4.8 की और IMDb की तरफ से 8.9 की शानदार रेटिंग मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से कहीं इस मूवी को ऑलरेडी देख चुके थे, आप हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों हिंदी मूवी लवर्स के लिए इस टाइम ये सबसे
अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। और मूवी लवर्स और मूवी फैन जो काफ़ी लंबे वक्त से हिंदी सिनेमा के इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे, शैतान मूवी को मैदान मूवी के रिलीज़ के साथ साथ अपडेट कर दिया गया है और OTT प्रीमियर पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स परचेज करके रखा था, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी में से इनकी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर भी आ गई थी। मैं आप सभी को बता दूँ, मैदान मूवी के ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। इसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की मूवी एक ही साथ थिएटर पर रिलीज हुआ था और उसके साथ साथ दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। दोस्तों आप सभी को बता दें, मैदान मूवी का बजट था सिर्फ 100 करोड़ के आसपास और दोस्तों जिसने इस दिनों तक 70 करोड़ की, जो कि 17 करोड़ की कलेक्शन कर लिया है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा लो कमाई है, जिसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा हुआ है। आप लोगों में से कनकन को पता है, एक्शन थ्रिलर मूवी को सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले टाइम रिलीज हुई 12th फेल्थ जो एक सुपर डुपर हिट रही थी, पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी को पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ था। फिर भी दोस्तों बाद में जब OTT पर रिलीज हुआ था, उसी वक्त से उस मूवी को पॉजिटिव रिलीज रही थी। आप सभी को बता दें, मैदान मूवी जो बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मूवी है, जिसको को राइट और डायरेक्ट किया था अमित सर ने, और आप सभी को बता दें बोनी कपूर की स्टूडियो जी स्टूडियो पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया गया था, जिसके साथ मूवी लवर्स काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे इस टाइम। और शैतान मूवी के साथ दृश्यम की तीसरी सीक्वल को प्रीमियर में करने के लिए मूवी मेकर्स स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी लंबे वक्त से रेडी हो गए थे इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। और उसके साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कौन कौन इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, कॉमेंट करिए, ताकि दोस्तों हिंदी मूवी फ़ैन और हिंदी मूवी लवर्स जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी के लिए सबसे अच्छी बात होने वाला है। और शैतान मूवी को तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पॉजिटिव इम्पैक्ट रह गया था। और बॉलीवुड की मूवीज़ जैसे कि आप सभी को पता है कि उन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के फ़ैन को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी ऑलरेडी प्रीमियर में भी देखने को मिल गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम इस मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर लवर्स जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के लिए इंतज़ार में कर रहे थे और उन मूवीज़ के फ़ैन के लिए, इस टाइम ये मूवीज़ हम रिलीज़ में लेकर आने वाले हैं, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ इन मूवीज़ आप सभी को आसानी से देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को बता दें, 2023 पर रिलीज़ में आई काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट्स और उनके देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो रहे हैं इन दिनों ये सब मूवीज़ के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन के पास शैतान मूवी को देखने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर इस टाइम देखने को मिलने वाला है। 2024 की इस मूवी को दोस्तों डिजिटल प्रीमियर पर ऑलरेडी रिलीज में कर दिया गया है। IMDb की तरफ से इतनी बड़ी रेटिंग मिलने के रीजन से इस मूवी को काफ़ी बार YouTube पर भी सर्च किया गया था और पिछले टाइम सर्चेज की लिस्ट में भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा हुआ था। 2023 पर एनिमल, जवान और पठान की तरह टाइगर 3 ने भी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर काफ़ी अजीब और पॉजिटिव रिस्पॉन्स रही थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बॉलीवुड की मूवीज़ ने धमाका मचा दिया था। और इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवी पुष्पा की टीज़र, जो कि पुष्पा द रूल का टीज़र ऑलरेडी टेलीकास्ट में आ चुका है, जिसको देखने के बाद काफ़ी सारे लोग हैं जो साउथ मूवीज़ के फ़ैन रह गए थे, उन्होंने इस टाइम लो बजट मूवी हनुमान, जिसका बजट सिर्फ 24 करोड़ के आसपास रही थी, उस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस को देखने के बाद काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड है, साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के फ़ैन हो चुकी है और उन सभी को इस टाइम ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ गया था। और लोगों की तरफ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने के रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा और इस टाइम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर पर देखने को मिल ही जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, हिंदी प्रीमियर के फ़ैन जो दृश्यम मूवी को ऑलरेडी इन्जॉय कर रहे थे और दृश्यम की सीक्वल जो मलयालम लैंग्वेज पर ऑलरेडी देख लिया था, आप सभी को बता दें अब डायरेक्ट दृश्यम की तीसरी सीक्वल को अजय देवगन सर एज अ डायरेक्टर, उन्होंने डायरेक्ट उस मूवी को तीसरी सीक्वल खुद हिंदी वर्जन पर लेकर आने वाले हैं, जैसे कि इससे पहले उस मूवीज़ की वर्जन मलयालम लैंग्वेज के रिलीज में आने के बाद ही रीमेक किया गया था।
पर दोस्तों इस टाइम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस टाइम आप सभी को डायरेक्ट पॉपुलर मूवी के रिलीज थिएटर पर अजय देवगन सर की लीड कास्टिंग पर ही देखने को मिलेगा, जिसके रीजन से मूवी की और भी ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऑडियंस मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है। इस टाइम उनकी तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आप सभी को देखने को तो मिल ही जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम मूवीज़ फ़ैन जो काफ़ी लंबे वक्त से साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के लिए इंतजार में थे, जो लोगों को साउथ की डायरेक्टिंग पर बनी हुई और उन मूवीज़ के बेस पर बनी हुई पिछली टाइम जवान मूवी, साथ ही साथ कुछ पॉपुलर मूवी ऑलरेडी उनको देखने को मिल चुका है, जिसके रीजन से साउथ और इंडियन इंडस्ट्री की बॉलीवुड की कोलैबोरेशन पर काफ़ी सारे मूवी आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है और काफ़ी सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस टाइम हिंदी सिनेमा की इन पॉपुलर मूवीज़ को, जैसे कि उनकी तरफ से मूवी के बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल गया था और उन मूवीज़ के बारे में अपडेट लोगों को ऑलरेडी मिल गया था, जो काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिए, अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी बॉलीवुड की पॉपुलर मूवी हम आप सभी के पास डिजिटली और कनेक्ट के साथ और कम्युनिटी टैब पर आप सभी को उन मूवीज़ को टेलीकास्ट करके दिखाएंगे ही, और उसके साथ साथ कुछ मूवीज़ हैं जिनकी चर्चा ऑलरेडी काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था, और दृश्यम की तीसरी सीक्वल के साथ दृश्यम की दूसरी सीक्वल को अभी तक हिंदी प्रीमियर पर रिलीज नहीं किया गया है, जिसका जिक्र ऑलरेडी हो गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम दृश्यम की तीसरी सीक्वल को 2025 पर रिलीज करेंगे, उसके साथ साथ अपकमिंग डेज में मैदान मूवी का रिस्पॉन्स कैसा आएगा उसको देखते हुए इन मूवीज़ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपकमिंग डेज में इन मूवीज़ को एज अ कास्टिंग पर टेलीकास्ट करेंगे, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो प्रीमियर के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस टाइम हिंदी प्रीमियर की इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज़ के लिए, जो आप सभी के लिए सबसे सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए हम काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उन सभी के लिए काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और दोस्तों बता दें, हिंदी सिनेमा की साउथ इंडस्ट्री की 2024 की इन तक काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है, और उसके साथ साथ इस टाइम दोस्तों बता दें, शाहरुख खान सर और सलमान खान सर के फैन जिन लोगों ने सलमान खान सर की नई मूवी के लिए इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों उन सभी को इस टाइम हिंदी सिनेमा की पॉपुलर मूवी टाइगर 3 के सक्सेसफुल के बाद उनको अब डायरेक्ट इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के साथ उनको अपकमिंग डेज डायरेक्ट थिएटर पर और उस मूवी के साथ OTT प्रीमियर पर रिलीज करने के जिक्र हो गया है। आप सभी को बता दें, इस टाइम जवान मूवी को जब रिलीज कर दिया था और उसकी टाइम उस मूवी के हिंदी प्रीमियर का चर्चा हो गया था, जो काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हिंदी प्रीमियर के फ़ैन और मूवीज़ के लवर के लिए, जो आप सभी में से कण कण इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे हो, आप सभी के हिंदी प्रीमियर के फ़ैन के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा बात होने वाला है इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारे नए मूवी भी पसंद आने वाला है, और साथ ही साथ नए मूवी आप सभी को काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार में भी था। और दोस्तों जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से उन मूवीज़ के हिंदी फिल्में के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी ने हम कह सकती हो, ताकि दोस्तों मैं आप सभी को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के साथ साउथ इंडस्ट्री की हनुमान मूवी, जिसको 2024 पर रिलीज करके ही हाल ही में जी स्टूडियो नेटवर्क G5 पर प्रीमियर कर दिया जा चुका है, और जी नेटवर्क वालों जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी फिल्में के लिए इंतज़ार में थे, वो लोग इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर और इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। वीडियो के साथ साथ कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिएगा, उन मूवी के साथ जियो नेटवर्क पर हनुमान मूवी के टीज़र के साथ उस मूवी के ऑफिशियली फुल प्रीमियर रिलीज़ हो चुका है, और जियो नेटवर्क की सब्सक्रिप्शन वालों जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी के लिए इस टाइम काफ़ी इन्जॉयमेंट हो गया है, उन सभी को ये काफ़ी पॉपुलर मूवी आसानी से देखने को भी मिल गया है, और हिंदी फिल्म के फ़ैन के लिए इस टाइम ये सब काफ़ी पॉपुलर भी लग जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर हैशटैग शैतान फुल मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। अजय देवगन सर के साल 2024 की हॉरर ड्रामा ब्लॉकबस्टर मूवी शैतान फुल HD पर देखने के लिए इस वीडियो के अंदर आए हो, तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शैतान मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में, इस मूवी के ऑफिशियली रिलीज और इस मूवी के यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। दोस्तों फाइनली इस मूवी को OTT प्रीमियर पर रिलीज कर दिया जा चुका है, जो कि काफ़ी
लंबे वक्त से लोग इंतज़ार कर रहे थे इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों फाइनली दोस्तों शैतान की ऑफिशियल हिंदी प्रीमियर का चर्चा इस मूवी का रिलीज अपडेट मिल चुका है। आप लोगों में से कन कर इस मूवी को देख चुके हैं या फिर इस वीडियो को लाइक करिए। 2024 की अजय देवगन सर जानकी और ज्योतिका मैम की लीड कास्ट में साथ ही साथ एज ए लीड कास्टिंग आर माधवन इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। ऑडियंस की तरफ से 4.3 की रेटिंग मिली हुई वन ऑफ द बेहतरीन और बेस्ट मूवी आप सभी ने कह सकती हो। और काफ़ी सारी नई मूवी में से अजय देवगन सर की पिछले टाइम रिलीज हुई बैक टू बैक 3 मूवी सुपरहिट हो चुकी थी और हाल ही में इस टाइम अजय देवगन सर मैदान नाम की मूवी से इंटर हो चुके हैं बाजार के अंदर। 2024 में इनकी मूवी मैदान हाल ही में रिलीज में आ चुका है जो कि मूवी अक्षय कुमार सर और टाइगर श्रॉफ सर की मूवी के साथ क्लैश हुआ है। जी हाँ दोस्तों 2024 के मैदान मूवी जिसको ऑडियंस की तरफ से 4.8 की और आईएमडीबी की तरफ से 8.9 की शानदार रेटिंग मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों आप लोगों में से कहीं इस मूवी को ऑलरेडी देख चुके थे आप हमें कमेंट कर सकते हो ताकि दोस्तों हिंदी मूवी लवर्स के लिए इस टाइम ये सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। और मूवी लवर्स और मूवी फैन जो काफ़ी लंबे वक्त से हिंदी सिनेमा के इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे शैतान मूवी को मैदान मूवी के रिलीज़ के साथ साथ अपडेट कर दिया गया है। और OTT प्रीमियर पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स परचेज करके रखा था जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी में से इनकी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर भी आ गई थी। मैं आप सभी को बता दूँ मैदान मूवी के ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। इसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की मूवी एक ही साथ थिएटर पर रिलीज हुआ था और उसके साथ साथ दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। दोस्तों आप सभी को बता दें मैदान मूवी का बजट था सिर्फ 100 करोड़ के आसपास और दोस्तों जिसने इस दिनों तक 70 करोड़ की जो कि 17 करोड़ की कलेक्शन कर लिया है जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा लो कमाई है। जिसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा हुआ है। आप लोगों में से कन कन को पता है एक्शन थ्रिलर मूवी को सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप सभी को बताए पिछले टाइम रिलीज हुई 12th फेल्थ जो एक सुपर डुपर हिट रही थी पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी को पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ था। फिर दोस्तों बाद में जब OTT पर रिलीज हुआ था उसी वक्त से उस मूवी को पॉजिटिव रिलीज रही थी। आप सभी को बता दें मैदान मूवी जो बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मूवी है जिसको को राइट और डायरेक्ट किया था अमित सर ने। और आप सभी को बता दें बोनी कपूर की स्टूडियो जी स्टूडियो पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया गया था जिसके साथ मूवी लवर्स काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे इस टाइम। और शैतान मूवी के साथ दृश्यम की तीसरी सीक्वल को प्रीमियर में करने के लिए मूवी मेकर्स स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी लंबे वक्त से रेडी हो गए थे इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए और उसके साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कन कन इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो कॉमेंट करिए ताकि दोस्तों हिंदी मूवी फ़ैन और हिंदी मूवी लवर्स जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए इंतज़ार में थे उन सभी के लिए सबसे अच्छी बात होने वाला है। और शैतान मूवी को तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पॉजिटिव इम्पैक्ट रह गया था। और बॉलीवुड की मूवीज़ जैसे कि आप सभी को पता है कि उन मूवीज़ के हिंदी फिल्में के फ़ैन को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी ऑलरेडी प्रीमियर में भी देखने को मिल गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस टाइम इस मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर लवर्स जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के लिए इंतज़ार में कर रहे थे और उन मूवीज़ के फ़ैन के लिए इस टाइम ये मूवीज़ हम रिलीज़ में लेकर आने वाले हैं जो आप सभी के लिए सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स आप कमेंट कर सकते हो ताकि दोस्तों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ इन मूवीज़ आप सभी को आसानी से देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को बता दें 2023 पर रिलीज़ में आई काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट्स और उनके देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इन दिनों ये सब मूवीज़ के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन के पास शैतान मूवी को देखने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर इस टाइम देखने को मिलने वाला है। 2024 की इस मूवी को दोस्तों डिजिटल प्रीमियर पर ऑलरेडी रिलीज़ में कर दिया गया है। IMDb की तरफ से इतनी बड़ी रेटिंग मिलने के रीज़न से इस मूवी को काफ़ी बार YouTube पर भी सर्च किया गया था और पिछले टाइम सर्चेज की लिस्ट में भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट
देखा हुआ था 2023 पर एनिमल, जवान और पठान की तरह टाइगर 3 ने भी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर काफ़ी अजीब और पॉजिटिव रिस्पॉन्स रही थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, बॉलीवुड की मूवीज़ ने धमाका मचा दिया था। और इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवी पुष्पा की टीजर, जो कि पुष्पा द रूल का टीजर ऑलरेडी टेलीकास्ट में आ चुका है, जिसको देखने के बाद काफ़ी सारे लोग हैं जो साउथ मूवीज़ के फैन रह गए थे, उन्होंने इस टाइम लो बजट मूवी हनुमान, जिसका बजट सिर्फ 24 करोड़ के आसपास रही थी, उस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस को देखने के बाद काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड है, साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के फ़ैन हो चुकी है, और उन सभी को इस टाइम ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ गया था। और लोगों की तरफ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने के रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, और इस टाइम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी फिल्मर पर देखने को मिल ही जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, हिंदी फिल्मर के फ़ैन जो दृश्यम मूवी को ऑलरेडी इन्जॉय कर रहे थे और दृश्यम के सीक्वल जो मलयालम लैंग्वेज पर ऑलरेडी देख लिया था, आप सभी को बता दें अब डायरेक्ट दृश्यम के तीसरे सीक्वल को अजय देवगन सर एज अ डायरेक्टर, उन्होंने डायरेक्ट उस मूवी को तीसरी सीक्वल खुद हिंदी वर्जन पर लेकर आने वाले हैं, जैसे कि इससे पहले उस मूवीज की वर्जन मलयालम लैंग्वेज के रिलीज में आने के बाद ही रीमेक किया गया था, पर दोस्तों इस टाइम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस टाइम आप सभी को डायरेक्ट पॉपुलर मूवी के रिलीज थिएटर पर अजय देवगन सर की लीड कास्टिंग पर ही देखने को मिलेगा, जिसके रीजन से मूवी की और भी ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऑडियंस मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है। इस टाइम उनकी तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आप सभी को देखने को तो मिल ही जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम मूवीज़ फ़ैन जो काफ़ी लंबे वक्त से साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के लिए इंतजार में थे, जो लोगों को साउथ की डायरेक्टिंग पर बनी हुई और उन मूवीज़ के बेस पर बनी हुई पिछली टाइम जवान मूवी, साथ ही साथ कुछ पॉपुलर मूवी ऑलरेडी उनको देखने को मिल चुका है, जिसके रीजन से साउथ और इंडियन इंडस्ट्री की बॉलीवुड की कोलैबोरेशन पर काफ़ी सारे मूवी आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है, और काफ़ी सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस टाइम हिंदी सिनेमा की इन पॉपुलर मूवीज़ को, जैसे कि उनकी तरफ से मूवी के बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल गया था और उन मूवीज़ के बारे में अपडेट लोगों को ऑलरेडी मिल गया था, जो काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिए, अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी बॉलीवुड की पॉपुलर मूवी हम आप सभी के पास डिजिटली और कनेक्ट इसके साथ और कम्युनिटी टैब पर आप सभी को उन मूवीज़ को टेलीकास्ट करके दिखाएंगे ही, और उसके साथ साथ कुछ मूवीज़ हैं जिनकी चर्चा ऑलरेडी काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था, और दृश्यम की तीसरी सीक्वल के साथ दृश्यम की दूसरी सीक्वल को अभी तक हिंदी प्रीमियर पर रिलीज नहीं किया गया है, जिसका जिक्र ऑलरेडी हो गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम दृश्यम की तीसरी सीक्वल को 2025 पर रिलीज करेंगे, उसके साथ साथ अपकमिंग डेज में मैदान मूवी का रिस्पॉन्स कैसा आएगा उसको देखते हुए इन मूवीज़ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपकमिंग डेज में इन मूवीज़ को एज अ कास्टिंग पर टेलीकास्ट करेंगे, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो फिल्मर के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस टाइम हिंदी फिल्मर की इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज़ के लिए, जो आप सभी के लिए सबसे सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए हम काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उन सभी के लिए काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और दोस्तों बता दें, हिंदी सिनेमा की साउथ इंडस्ट्री की 2024 की ईद तक काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है, और उसके साथ साथ इस टाइम दोस्तों बता दें, शाहरुख खान सर और सलमान खान सर के फैन, जिन लोगों ने सलमान खान सर की नई मूवी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों उन सभी को इस टाइम हिंदी सिनेमा की पॉपुलर मूवी टाइगर 3 के सक्सेसफुल के बाद उनको अब डायरेक्ट इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के साथ उनको अपकमिंग डीज डायरेक्ट थिएटर पर और उस मूवी के साथ OTT प्रीमियर पर रिलीज़ करने के जिक्र हो गया है। आप सभी को बता रहे, इस टाइम जवान मूवी को जब रिलीज़ कर दिया था और उसके टाइम उस मूवी के हिंदी प्रीमियर का चर्चा हो गया था, जो काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हिंदी प्रीमियर के फ़ैन और मूवीज़ के लवर के लिए, जो आप सभी में से कण-कण इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे हो, आप सभी के हिंदी फिल्मर के फ़ैन के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा बात होने वाला है इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर उन मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारे नई मूवी भी पसंद आने वाला है, और साथ ही साथ नई मूवी आप सभी को काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार में भी था। और दोस्तों जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से उन मूवीज़ के हिंदी फिल्में के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी ने हम कह सकते हो, ताकि दोस्तों मैं आप सभी को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के साथ साउथ इंडस्ट्री की हनुमान मूवी, जिसको 2024 पर रिलीज़ करके ही हाल ही में जी स्टूडियो नेटवर्क G5 पर प्रीमियर कर दिया जा चुका है, और जी नेटवर्क वालों जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी फिल्में के लिए इंतज़ार में थे,
वो लोग इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर आर इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। वीडियो के साथ साथ कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिएगा उन मूवी के साथ। जियो नेटवर्क पर हनुमान मूवी के टीजर के साथ उस मूवी के ऑफिशियली फुल प्रीमियर रिलीज हो चुका है। और जियो नेटवर्क की सब्सक्रिप्शन वालों जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी के लिए इस टाइम काफ़ी इन्जॉयमेंट हो गया है। उन सभी को ये काफ़ी पॉपुलर मूवी आसानी से देखने को भी मिल गया है। और हिंदी प्रीमियर के फ़ैन के लिए इस टाइम ये सब काफ़ी पॉपुलर भी लग जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर हैशटैग शैतान फुल मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। अजय देवगन सर के साल 2024 की हॉरर ड्रामा ब्लॉकबस्टर मूवी शैतान फुल HD पर देखने के लिए इस वीडियो के अंदर आए हो। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शैतान मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में, इस मूवी के ऑफिशियली रिलीज और इस मूवी के यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। दोस्तों फाइनली इस मूवी को OTT प्रीमियर पर रिलीज कर दिया जा चुका है, जो कि काफ़ी लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे थे इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों फाइनली दोस्तों शैतान की ऑफिशियल हिंदी प्रीमियर का चर्चा और इस मूवी का रिलीज अपडेट मिल चुका है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देख चुके हैं या फिर नए, इस वीडियो को लाइक करिए। 2024 की अजय देवगन सर, जानकी और ज्योतिका मैम की लीड कास्ट में, साथ ही साथ एज ए लीड कास्टिंग आर माधवन इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। ऑडियंस की तरफ से 4.3 की रेटिंग मिली हुई वन ऑफ द बेहतरीन और बेस्ट मूवी आप सभी ने कह सकती हो। और काफ़ी सारी नई मूवी में से अजय देवगन सर की पिछले टाइम रिलीज भी बैक टू बैक 3 मूवीज सुपरहिट हो चुकी थी। और हाल ही में इस टाइम अजय देवगन सर मैदान नाम की मूवी से इंटर हो चुके हैं बाजार के अंदर। 2024 में इनकी मूवी मैदान हाल ही में रिलीज में आ चुका है, जो कि मूवी अक्षय कुमार सर और टाइगर श्रॉफ सर की मूवी के साथ क्लैश हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 2024 के मैदान मूवी जिसको ऑडियंस की तरफ से 4.8 की और IMDb की तरफ से 8.9 की शानदार रेटिंग मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से कनक इस मूवी को ऑलरेडी देख चुके थे, आप हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों हिंदी मूवी लवर्स के लिए इस टाइम ये सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। और मूवी लवर्स और मूवी फैन जो काफ़ी लंबे वक्त से हिंदी सिनेमा के इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, शैतान मूवी को मैदान मूवी के रिलीज के साथ साथ अपडेट कर दिया गया है। और OTT प्रीमियर पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स परचेज करके रखा था, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी में से इनकी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर भी आ गई थी। मैं आप सभी को बता दूं, मैदान मूवी के ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। इसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ सर की मूवी एक ही साथ थिएटर पर रिलीज हुआ था, और उसके साथ साथ दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। दोस्तों आप सभी को बता दें, मैदान मूवी का बजट था सिर्फ 100 करोड़ के आसपास, और दोस्तों जिसने इस दिनों तक 70 करोड़ की, जो कि 17 करोड़ की कलेक्शन कर लिया है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा लो कमाई है, जिसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा हुआ है। आप लोगों में से कनकन को पता है एक्शन थ्रिलर मूवी को सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले टाइम रिलीज हुई 12th हेल्थ जो एक सुपर डुपर हिट रही थी, पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी को पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ था। फिर दोस्तों बाद में जब OTT पर रिलीज हुआ था, उसी वक्त से उस मूवी को पॉजिटिव रिलीज रही थी। आप सभी को बता दें, मैदान मूवी जो बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मूवी है, जिसको को राइट और डायरेक्ट किया था अमित सर ने। और आप सभी को बता दें, बोनी कपूर की स्टूडियो पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया गया था, जिसके साथ मूवी लवर्स काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे इस टाइम। और शैतान मूवी के साथ दृश्यम की तीसरी सीक्वल को प्रीमियर में करने के लिए मूवी मेकर्स स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी लंबे वक्त से रेडी हो गए थे इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। और उसके साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कौन कौन इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, कमेंट करिए, ताकि दोस्तों हिंदी मूवी फ़ैन और हिंदी मूवी लवर्स जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी के लिए सबसे अच्छी बात होने वाला है। और शैतान मूवी को तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पॉजिटिव इम्पैक्ट रह गया था। और बॉलीवुड की मूवीज़, जैसे कि आप सभी को पता है कि उन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के फ़ैन को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी ऑलरेडी प्रीमियर में भी देखने को मिल गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम
इस मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर लवर्स जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के लिए इंतज़ार में कर रहे थे और उन मूवीज़ के फ़ैन के लिए इस टाइम ये मूवीज़ हम रिलीज़ में लेकर आने वाले हैं, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स आप कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ इन मूवीज़ आप सभी को आसानी से देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को बता दें 2023 पर रिलीज़ में आई काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट्स और उनके देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इन दिनों ये सब मूवीज़ के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन के पास शैतान मूवी को देखने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर इस टाइम देखने को मिलने वाला है। 2024 की इस मूवी को दोस्तों डिजिटल प्रीमियर पर ऑलरेडी रिलीज़ में कर दिया गया है। IMDb की तरफ से इतनी बड़ी रेटिंग मिलने के रीज़न से इस मूवी को काफ़ी बार YouTube पर भी सर्च किया गया था और पिछले टाइम सर्चेज की लिस्ट में भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा हुआ था। 2023 पर एनिमल, जवान और पठान की तरह टाइगर 3 ने भी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर काफ़ी अजीब और पॉजिटिव रिस्पॉन्स रही थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बॉलीवुड की मूवीज़ ने धमाका मचा दिया था। और इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवी पुष्पा की टीज़र, जो कि पुष्पा द रूल का टीज़र ऑलरेडी टेलीकास्ट में आ चुका है, जिसको देखने के बाद काफ़ी सारे लोग हैं जो साउथ मूवीज़ के फ़ैन रह गए थे, उन्होंने इस टाइम लो बजट मूवी हनुमान, जिसका बजट सिर्फ 24 करोड़ के आसपास रही थी, उस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस को देखने के बाद काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड है, साउथ इंडस्ट्री के मूवीज़ के फ़ैन हो चुकी है और उन सभी को इस टाइम ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ गया था। और लोगों की तरफ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने के रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा और इस टाइम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर पर देखने को मिल ही जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, हिंदी प्रीमियर के फ़ैन जो दृश्यम मूवी को ऑलरेडी इन्जॉय कर रहे थे और दृश्यम की सीक्वल जो मलयालम लैंग्वेज पर ऑलरेडी देख लिया था, आप सभी को बता दें अब डायरेक्ट दृश्यम की तीसरी सीक्वल को अजय देवगन सर एज अ डायरेक्टर, उन्होंने डायरेक्ट उस मूवी को तीसरी सीक्वल खुद हिंदी वर्जन पर लेकर आने वाले हैं, जिससे कि इससे पहले उस मूवीज़ की वर्जन मलयालम लैंग्वेज के रिलीज में आने के बाद ही रीमेक किया गया था। पर दोस्तों इस टाइम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इस टाइम आप सभी को डायरेक्ट पॉपुलर मूवी के रिलीज थिएटर पर अजय देवगन सर के लीड कास्टिंग पर ही देखने को मिलेगा, जिसके रीज़न से मूवी की और भी ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऑडियंस मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है इस टाइम, उनकी तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आप सभी को देखने को तो मिल ही जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम मूवीज़ फ़ैन जो काफ़ी लंबे वक्त से साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के लिए इंतज़ार में थे, जो लोगों को साउथ की डायरेक्टिंग पर बनी हुई और उन मूवीज़ के बेस पर बनी हुई पिछले टाइम जवान मूवी, साथ ही साथ कुछ पॉपुलर मूवी ऑलरेडी उनको देखने को मिल चुका है, जिसके रीजन से साउथ और इंडियन इंडस्ट्री की बॉलीवुड की कोलैबोरेशन पर काफ़ी सारे मूवी आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है और काफ़ी सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस टाइम हिंदी सिनेमा की इन पॉपुलर मूवीज़ को, जैसे कि उनकी तरफ से मूवी के बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल गया था और उन मूवीज़ के बारे में अपडेट लोगों को ऑलरेडी मिल गया था, जो काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिए, अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी बॉलीवुड की पॉपुलर मूवी हम आप सभी के पास डिजिटली और कनेक्ट के साथ और कम्युनिटी टैब पर आप सभी को उन मूवीज़ को टेलीकास्ट करके दिखाएंगे ही। और उसके साथ साथ कुछ मूवीज़ हैं जिनकी चर्चे ऑलरेडी काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था और दृश्यम की तीसरी सीक्वल के साथ दृश्यम की दूसरी सीक्वल को अभी तक हिंदी प्रीमियर पर रिलीज़ नहीं किया गया है, जिसका जिक्र ऑलरेडी हो गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस टाइम दृश्यम के तीसरी सीक्वल को 2025 पर रिलीज़ करेंगे, उसके साथ साथ अपकमिंग डेज में मैदान मूवी का रिस्पॉन्स कैसा आएगा उसको देखते हुए इन मूवीज़ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपकमिंग डेज में इन मूवीज़ को एज अ कास्टिंग पर टेलीकास्ट करेंगे, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो प्रीमियर के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस टाइम हिंदी प्रीमियर की इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज़ के लिए, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए हम काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उन सभी के लिए काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और दोस्तों बता दें, हिंदी सिनेमा की साउथ इंडस्ट्री की 2024 की इन तक काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ साथ इस टाइम दोस्तों बता दें, शाहरुख खान सर और सलमान खान सर के फ़ैन, जिन लोगों ने सलमान खान सर की नई मूवी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों उन सभी को इस टाइम हिंदी सिनेमा की पॉपुलर मूवी टाइगर 3 के सक्सेसफुल के बाद उनको अब डायरेक्ट इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के साथ उनको अपकमिंग डेज डायरेक्ट
थिएटर पर और उस मूवी के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का जिक्र हो गया है। आप सभी को बता दें इस टाइम जवान मूवी को जब रिलीज कर दिया था और उसके टाइम उस मूवी के हिंदी प्रीमियर का चर्चा हो गया था जो काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हिंदी प्रीमियर के फैन और मूवीज़ के लवर के लिए, जो आप सभी में से कण कण इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे हो, आप सभी के हिंदी प्रीमियर के फैन के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा बात होने वाला है इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर उन मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारे नए मूवी भी पसंद आने वाला है और साथ ही साथ नए मूवी आप सभी को काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार में भी था। और दोस्तों जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से उन मूवीज़ के हिंदी फिल्में के लिए इंतज़ार में थे उन सभी ने हम कह सकती हो ताकि दोस्तों मैं आप सभी को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के साथ साउथ इंडस्ट्री की हनुमान मूवी जिसको 2024 पर रिलीज़ करके ही हाल ही में जी स्टूडियो नेटवर्क G5 पर प्रीमियर कर दिया जा चुका है और जी नेटवर्क वालों जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी फिल्में के लिए इंतज़ार में थे वो लोग इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर और इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। वीडियो के साथ साथ कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिएगा उन मूवी के साथ जियो नेटवर्क पर हनुमान मूवी के टीजर के साथ उस मूवी के ऑफिशियली फुल प्रीमियर रिलीज हो चुका है और जियो नेटवर्क के सब्सक्रिप्शन वालों जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए इंतज़ार में थे उन सभी के लिए इस टाइम काफ़ी इन्जॉयमेंट हो गया है। उन सभी को ये काफ़ी पॉपुलर मूवी आसानी से देखने को भी मिल गया है और हिंदी फिल्म के फैन के लिए इस टाइम ये सब काफ़ी पॉपुलर भी लग जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में हैशटैग शैतान फुल मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। अजय देवगन सर के साल 2024 की हॉरर ड्रामा ब्लॉकबस्टर मूवी शैतान फुल HD पर देखने के लिए इस वीडियो के अंदर आए हो तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शैतान मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में, इस मूवी के ऑफिशियली रिलीज और इस मूवी के यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। दोस्तों फाइनली इस मूवी को OTT प्रीमियर पर रिलीज कर दिया जा चुका है जो कि काफ़ी लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे थे इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों फाइनली दोस्तों शैतान की ऑफिशियल हिंदी प्रीमियर का चर्चा और इस मूवी का रिलीज अपडेट मिल चुका है। आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देख चुके हैं या फिर नए इस वीडियो को लाइक करिए। 2024 की अजय देवगन सर, जानकी और ज्योतिका मैम की लीड कास्ट में साथ ही साथ एज ए लीड कास्टिंग आर माधवन इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। ऑडियंस की तरफ से 4.3 की रेटिंग मिली हुई वन ऑफ द बेहतरीन और बेस्ट मूवी आप सभी ने कह सकते हो और काफ़ी सारी नई मूवी में से अजय देवगन सर की पिछले टाइम रिलीज भी बैक टू बैक 3 मूवी सुपरहिट हो चुकी थी और हाल ही में इस टाइम अजय देवगन सर मैदान नाम की मूवी से इंटर हो चुके हैं बाजार के अंदर। 2024 में इनकी मूवी मैदान हाल ही में रिलीज में आ चुका है जो कि मूवी अक्षय कुमार सर और टाइगर श्रॉफ सर की मूवी के साथ क्लैश हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 2024 की मैदान मूवी जिसको ऑडियंस की तरफ से 4.8 की और IMDb की तरफ से 8.9 की शानदार रेटिंग मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से कहीं इस मूवी को ऑलरेडी देख चुके थे, आप हमें कमेंट कर सकते हो ताकि दोस्तों हिंदी मूवी लवर्स के लिए इस टाइम ये सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है और मूवी लवर्स और मूवी फैन जो काफ़ी लंबे वक्त से हिंदी सिनेमा के इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे शैतान मूवी को मैदान मूवी के रिलीज़ के साथ साथ अपडेट कर दिया गया है और OTT प्रीमियर पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स परचेज करके रखा था जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी में से इनकी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर भी आ गई थी। मैं आप सभी को बता दूं मैदान मूवी के ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। इसके साथ बड़े मियां छोटे मियां जो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ सर की मूवी एक ही साथ थिएटर पर रिलीज हुआ था और उसके साथ साथ दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। दोस्तों आप सभी को बता दें मैदान मूवी का बजट था सिर्फ 100 करोड़ के आसपास और दोस्तों जिसने इस दिनों तक 17 करोड़ की कलेक्शन कर लिया है जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा लो कमाई है, जिसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा हुआ है। आप लोगों में से कनकन को पता है एक्शन थ्रिलर मूवी को सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप सभी को पता है पिछले टाइम रिलीज हुई 12 फेल्थ जो एक सुपर डुपर हिट रही थी पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी को पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ था। फिर भी दोस्तों बाद में जब OTT पर रिलीज हुआ था उसी वक्त से उस मूवी को पॉजिटिव रिलीज रही थी। आप सभी को बता दें मैदान मूवी जो बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मूवी है जिसको को राइट और डायरेक्ट किया था अमित सर ने और आप सभी को बता दें बोनी कपूर की
स्टूडियो जी स्टूडियो पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया गया था, जिसके साथ मूवी लवर्स काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे इस टाइम। और शैतान मूवी के साथ दृश्यम की तीसरी सीक्वल को प्रीमियर में करने के लिए मूवी मेकर्स स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी लंबे वक्त से रेडी हो गए थे इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। और उसके साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कौन कौन इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, कॉमेंट करिए, ताकि दोस्तों हिंदी मूवी फ़ैन और हिंदी मूवी लवर्स जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी के लिए सबसे अच्छी बात होने वाला है। और शैतान मूवी को तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पॉजिटिव इम्पैक्ट रह गया था। और बॉलीवुड की मूवीज़ जैसे कि आप सभी को पता है कि उन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के फ़ैन को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी ऑलरेडी प्रीमियर में भी देखने को मिल गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस टाइम इस मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर लवर्स जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के लिए इंतज़ार में कर रहे थे और उन मूवीज़ के फ़ैन के लिए इस टाइम ये मूवीज़ हम रिलीज़ में लेकर आने वाले हैं, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स आप कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ इन मूवीज़ आप सभी को आसानी से देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को 2023 पर रिलीज़ में आई काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट्स और उनके देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इन दिनों ये सब मूवीज़ के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन के पास शैतान मूवी को देखने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर इस टाइम देखने को मिलने वाला है 2024 की इस मूवी को। दोस्तों डिजिटल प्रीमियर पर ऑलरेडी रिलीज में कर दिया गया है, IMDb की तरफ से इतनी बड़ी रेटिंग मिलने के रीजन से इस मूवी को काफ़ी बार YouTube पर भी सर्च किया गया था और पिछले टाइम सर्चेस की लिस्ट में भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा हुआ था। 2023 पर एनिमल, जवान और पठान की तरह टाइगर 3 ने भी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर काफ़ी अजीब और पॉजिटिव रिस्पॉन्स रही थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बॉलीवुड की मूवीज़ ने धमाका मचा दिया था। और इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवी पुष्पा की टीज़र, जो कि पुष्पा द रूल का टीज़र ऑलरेडी टेलीकास्ट में आ चुका है, जिसको देखने के बाद काफ़ी सारे लोग हैं जो साउथ मूवीज़ के फ़ैन रह गए थे, उन्होंने इस टाइम लो बजट मूवी हनुमान, जिसका बजट सिर्फ 24 करोड़ के आसपास रही थी, उस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस को देखने के बाद काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड है, साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के फ़ैन हो चुके हैं। और उन सभी को इस टाइम ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ गया था और लोगों की तरफ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने के रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा। और इस टाइम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर पर देखने को मिल ही जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को मैं बताना चाहूँगा हिंदी प्रीमियर के फ़ैन जो दृश्यम मूवी को ऑलरेडी इन्जॉय कर रहे थे और दृश्यम की सीक्वल जो मलयालम लैंग्वेज पर ऑलरेडी देख लिया था, आप सभी को बता दें अब डायरेक्ट दृश्यम की तीसरी सीक्वल को अजय देवगन सर एज अ डायरेक्टर, उन्होंने डायरेक्ट उस मूवी को तीसरी सीक्वल खुद हिंदी वर्जन पर लेकर आने वाले हैं, जिससे कि इससे पहले उस मूवीज़ की वर्जन मलयालम लैंग्वेज के रिलीज में आने के बाद ही रीमेक किया गया था। पर दोस्तों इस टाइम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इस टाइम आप सभी को डायरेक्ट पॉपुलर मूवी के रिलीज थिएटर पर अजय देवगन सर की लीड कास्टिंग पर ही देखने को मिलेगा, जिसके रीजन से मूवी की और भी ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऑडियंस मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है इस टाइम, उनकी तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आप सभी को देखने को तो मिल ही जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस टाइम मूवीज़ फ़ैन जो काफ़ी लंबे वक्त से साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के लिए इंतज़ार में थे, जो लोगों को साउथ की डायरेक्टिंग पर बनी हुई और उन मूवीज़ के बेस पर बनी हुई पिछले टाइम जवान मूवी, साथ ही साथ कुछ पॉपुलर मूवी ऑलरेडी उनको देखने को मिल चुका है, जिसके रीजन से साउथ और इंडियन इंडस्ट्री की बॉलीवुड की कोलैबोरेशन पर काफ़ी सारे मूवी आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है। और काफ़ी सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस टाइम हिंदी सिनेमा की इन पॉपुलर मूवीज़ को, जैसे कि उनकी तरफ से मूवी के बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल गया था और उन मूवीज़ के बारे में अपडेट लोगों को ऑलरेडी मिल गया था, जो काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिए, अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी बॉलीवुड की पॉपुलर मूवी हम आप सभी के पास डिजिटली और कनेक्ट के साथ और कम्युनिटी टैब पर आप सभी को उन मूवीज़ को टेलीकास्ट करके दिखाएंगे ही। और उसके साथ साथ कुछ मूवीज़ हैं जिनकी चर्चा ऑलरेडी काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था और दृश्यम की तीसरी सीक्वल के साथ दृश्यम की दूसरी सीक्वल को अभी तक हिंदी प्रीमियर पर रिलीज नहीं किया गया है, जिसका जिक्र ऑलरेडी हो गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस टाइम दृश्यम की तीसरी सीक्वल को 2025 पर रिलीज करेंगे, उसके साथ साथ अपकमिंग डेज में मैदान मूवी का रिस्पॉन्स कैसा आएगा उसको देखते हुए इन मूवीज़ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपकमिंग डेज में इन मूवीज़ को एज अ
कास्टिंग पर टेलीकास्ट करेंगे, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो फिल्म के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस टाइम हिंदी फिल्म की इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज के लिए, जो आप सभी के लिए सबसे सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए हम काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उन सभी के लिए काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और दोस्तों बता दें, हिंदी सिनेमा की साउथ इंडस्ट्री की 2024 की ईद तक काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ साथ इस टाइम दोस्तों बता दें, शाहरुख खान सर और सलमान खान सर के फैन, जिन लोगों ने सलमान खान सर की नई मूवी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों उन सभी को इस टाइम हिंदी सिनेमा की पॉपुलर मूवी टाइगर 3 के सक्सेसफुल के बाद उनको अब डायरेक्ट इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के साथ उनको अपकमिंग डील्स डायरेक्ट थिएटर पर और उस मूवी के साथ OTT प्रीमियर पर रिलीज़ करने के जिक्र हो गया है। आप सभी को बता दें, इस टाइम जवान मूवी को जब रिलीज़ कर दिया था और उसकी टाइम उस मूवी के हिंदी प्रीमियर का चर्चा हो गया था, जो काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हिंदी प्रीमियर के फ़ैन और मूवीज़ के लवर के लिए, जो आप सभी में से कण-कण इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे हो, आप सभी के हिंदी प्रीमियर के फ़ैन के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा बात होने वाला है इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर उन मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारे नए मूवी भी पसंद आने वाला है। और साथ ही साथ नए मूवी आप सभी को काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार में भी था, और दोस्तों जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से उन मूवीज़ के हिंदी फिल्म के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी नाम कह सकती हो, ताकि दोस्तों मैं आप सभी को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के साथ साउथ इंडस्ट्री की हनुमान मूवी, जिसको 2024 पर रिलीज़ करके ही हाल ही में जी स्टूडियो नेटवर्क G5 पर प्रीमियर कर दिया जा चुका है। और जी नेटवर्क वालों जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी फिल्म के लिए इंतज़ार में थे, वो लोग इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर और इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। वीडियो के साथ साथ कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिएगा उन मूवी के साथ जियो नेटवर्क पर हनुमान मूवी के टीजर के साथ उस मूवी के ऑफिशियली फुल प्रीमियर रिलीज़ हो चुका है। और जियो नेटवर्क की सब्सक्रिप्शन वालों जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी के लिए इस टाइम काफ़ी इन्जॉयमेंट हो गया है। उन सभी को ये काफ़ी पॉपुलर मूवी आसानी से देखने को भी मिल गया है, और हिंदी फिल्म के फ़ैन के लिए इस टाइम ये सब काफ़ी पॉपुलर भी लग जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर # शैतान फुल मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। अजय देवगन सर के साल 2024 की हॉरर ड्रामा ब्लॉकबस्टर मूवी शैतान फुल HD पर देखने के लिए स्पीड के अंदर आए हो, तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए बनाया है। जी हाँ दोस्तों, स्पीड के अंदर हम बात करने वाले हैं शैतान मूवी के ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर के बारे में, इस मूवी के ऑफिशियली रिलीज और इस मूवी के यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। दोस्तों फाइनली इस मूवी को OTT प्रीमियर पर रिलीज कर दिया जा चुका है, जो कि काफ़ी लंबे वक्त से लोग इंतज़ार कर रहे थे इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों फाइनली दोस्तों शैतान की ऑफिशियल हिंदी प्रीमियर का चर्चा और इस मूवी का रिलीज अपडेट मिल चुका है। आप लोगों में से कण-कण इस मूवी को देख चुके हैं या फिर नए स्पीड को लाइक करिए। 2024 की अजय देवगन सर, जानकी और ज्योतिका मैम की लीड कास्ट में, साथ ही साथ एज ए लीड कास्टिंग आर माधवन इस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। ऑडियंस की तरफ से 4.3 की रेटिंग मिली हुई वन ऑफ द बेहतरीन और बेस्ट मूवी आप सभी ने कह सकते हो। और काफ़ी सारी नई मूवी में से अजय देवगन सर की पिछले टाइम रिलीज भी बैक टू बैक 3 मूवी सुपर हिट हो चुकी थी, और हाल ही में इस टाइम अजय देवगन सर मैदान नाम की मूवी से इंटर हो चुके हैं बाजार के अंदर। 2024 में इनकी मूवी मैदान हाल ही में रिलीज में आ चुका है, जो कि मूवी अक्षय कुमार सर और टाइगर श्रॉफ सर की मूवी के साथ क्लैश हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 2024 के मैदान मूवी जिसको ऑडियंस की तरफ से 4.8 की और IMDb की तरफ से 8.9 की शानदार रेटिंग मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से कल इस मूवी को ऑलरेडी देख चुके थे, आप हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों हिंदी मूवी लवर्स के लिए इस टाइम ये सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। और मूवी लवर्स और मूवी फैन जो काफ़ी लंबे वक्त से हिंदी सिनेमा के इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे, शैतान मूवी को मैदान मूवी के रिलीज़ के साथ साथ अपडेट कर दिया गया है। और OTT प्रीमियर पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स परचेज करके रखा था, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी में से इनकी पॉपुलर मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर भी आ गई थी। मैं आप सभी को बता दूँ, मैदान मूवी के ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। उसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो
अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की मूवी एक ही साथ थिएटर पर रिलीज हुआ था और उसके साथ साथ दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। दोस्तों आप सभी को बता दें, मैदान मूवी का बजट था सिर्फ 100 करोड़ के आसपास और दोस्तों जिसने इस दिन तक 17 करोड़ की कलेक्शन कर लिया है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा लो कमाई है, जिसके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा हुआ है। आप लोगों में से कन कन को पता है एक्शन थ्रिलर मूवी को सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप सभी को पता है पिछले टाइम रिलीज हुई 12th जो एक सुपर डुपर हिट रही थी पर दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उस मूवी को पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ था। फिर भी दोस्तों बाद में जब OTT पर रिलीज हुआ था उसी वक्त से उस मूवी को पॉजिटिव रिलीज रही थी। आप सभी को बता दें मैदान मूवी जो बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मूवी है, जिसको को राइट और डायरेक्ट किया था अमित सर ने, और आप सभी को बता दें बोनी कपूर की स्टूडियो पर इस मूवी को प्रीमियर कर दिया गया था, जिसके साथ मूवी लवर्स काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे इस टाइम। और शैतान मूवी के साथ दृश्यम की तीसरी सीक्वल को प्रीमियर में करने के लिए मूवी मेकर्स स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी लंबे वक्त से रेडी हो गए थे इन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए। और उसके साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है। आप लोगों में से कौन कौन इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इस तरह के मूवीज़ के फ़ैन हो, कॉमेंट करिए, ताकि दोस्तों हिंदी मूवी फ़ैन और हिंदी मूवी लवर्स जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी के लिए सबसे अच्छी बात होने वाला है। और शैतान मूवी को तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पॉजिटिव इम्पैक्ट रह गया था। और बॉलीवुड की मूवीज़ जैसे कि आप सभी को पता है कि उन मूवीज़ के हिंदी फिल्में के फ़ैन को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी ऑलरेडी प्रीमियर में भी देखने को मिल गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस टाइम इस मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर लवर्स जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के लिए इंतज़ार में कर रहे थे, और उन मूवीज़ के फ़ैन के लिए इस टाइम ये मूवीज़ हम रिलीज़ में लेकर आने वाले हैं, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स आप कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ इन मूवीज़ आप सभी को आसानी से देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को बता दें 2023 पर रिलीज़ में आई काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट्स और उनके देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इन दिनों ये सब मूवीज़ के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन के पास शैतान मूवी को देखने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर इस टाइम देखने को मिलने वाला है। 2024 की इस मूवी को दोस्तों डिजिटल प्रीमियर पर ऑलरेडी रिलीज़ में कर दिया गया है। IMDb की तरफ से इतनी बड़ी रेटिंग मिलने के रीज़न से इस मूवी को काफ़ी बार YouTube पर भी सर्च किया गया था, और पिछले टाइम सर्चेस की लिस्ट में भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा हुआ था। 2023 पर एनिमल, जवान और पठान की तरह टाइगर 3 ने भी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर काफ़ी अजीब और पॉजिटिव रिस्पॉन्स रही थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बॉलीवुड की मूवीज़ ने धमाका मचा दिया था। और इस टाइम साउथ इंडस्ट्री की मूवी पुष्पा की टीजर, जो कि पुष्पा द रूल का टीजर ऑलरेडी टेलीकास्ट में आ चुका है, जिसको देखने के बाद काफ़ी सारे लोग हैं जो साउथ मूवीज़ के फ़ैन रह गए थे, उन्होंने इस टाइम लो बजट मूवी हनुमान, जिसका बजट सिर्फ 24 करोड़ के आसपास रही थी, उस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस को देखने के बाद काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड है, साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के फ़ैन हो चुकी है, और उन सभी को इस टाइम ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ गया था। और लोगों की तरफ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने के रीज़न से मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, और इस टाइम आप सभी को और भी ज़्यादा खास और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर पर देखने को मिल ही जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को मैं बताना चाहूँगा हिंदी प्रीमियर के फ़ैन जो दृश्यम मूवी को ऑलरेडी इन्जॉय कर रहे थे, और दृश्यम की सीक्वल जो मलयालम लैंग्वेज पर ऑलरेडी देख लिया था, आप सभी को बता दें अब डायरेक्ट दृश्यम की तीसरी सीक्वल को अजय देवगन सर एज अ डायरेक्टर, उन्होंने डायरेक्ट उस मूवी को तीसरी सीक्वल खुद हिंदी वर्जन पर लेकर आने वाले हैं, जैसे कि इससे पहले उस मूवीज़ की वर्जन मलयालम लैंग्वेज के रिलीज में आने के बाद ही रीमेक किया गया था। पर दोस्तों इस टाइम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इस टाइम आप सभी को डायरेक्ट पॉपुलर मूवी के रिलीज थिएटर पर अजय देवगन सर की लीड कास्टिंग पर ही देखने को मिलेगा, जिसके रीजन से मूवी की और भी ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऑडियंस मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है इस टाइम, उनकी तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आप सभी को देखने को तो मिल ही जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस टाइम मूवीज़ फ़ैन जो काफ़ी लंबे वक्त से साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ के लिए इंतज़ार में थे, जो लोगों को साउथ की डायरेक्टिंग पर बनी हुई और उन मूवीज़ के बेस पर बनी हुई
रेप इज़ द टाइम जवान मूवी, साथ ही साथ कुछ पॉपुलर मूवी ऑलरेडी उनको देखने को मिल चुका है, जिसके रीजन से साउथ और इंडियन इंडस्ट्री की बॉलीवुड की कोलेबोरेशन पर काफ़ी सारी मूवी आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है और काफ़ी सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस टाइम हिंदी सिनेमा की इन पॉपुलर मूवीज़ को, जैसे कि उनकी तरफ से मूवी के बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल गया था और उन मूवीज़ के बारे में अपडेट लोगों को ऑलरेडी मिल गया था, जो काफ़ी अच्छी बात रही है। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिए, अपकमिंग डेज में आने वाली काफ़ी सारी बॉलीवुड की पॉपुलर मूवी हम आप सभी के पास डिजिटली और कनेक्ट इसके साथ और कम्युनिटी टैब पर आप सभी को मूवीज़ को टेलीकास्ट करके दिखाएंगे ही, और उसके साथ साथ कुछ मूवीज़ हैं जिनके चर्चे ऑलरेडी काफ़ी लंबे वक्त से हो रहा था और दृश्यम की तीसरी सीक्वल के साथ दृश्यम की दूसरी सीक्वल को अभी तक हिंदी फिल्में पर रिलीज नहीं किया गया है, जिसका जिक्र ऑलरेडी हो गया था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस टाइम दृश्यम की तीसरी सीक्वल को 2025 पर रिलीज करेंगे, उसके साथ साथ अपकमिंग डेज में मैदान मूवी का रिस्पॉन्स कैसा आएगा उसको देखते हुए इन मूवीज़ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपकमिंग डेज में इन मूवीज़ को एज अ कास्टिंग पर टेलीकास्ट करेंगे, जो आप सभी के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो फिल्में के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस टाइम हिंदी फिल्में की इन मूवीज़ के प्रीमियर और रिलीज के लिए, जो आप सभी के लिए सबसे सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन बात होने वाला है। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स पर आप लोगों ने कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों मूवी लवर्स के लिए हम काफ़ी सारे पॉपुलर मूवी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उन सभी के लिए काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और दोस्तों बता दें, हिंदी सिनेमा की साउथ इंडस्ट्री की 2024 की इंड तक काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी देखने को मिलने वाला है, और उसके साथ साथ इस टाइम दोस्तों बता दें, शाहरुख खान सर और सलमान खान सर के फैन जिन लोगों ने सलमान खान सर की नई मूवी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों उन सभी को इस टाइम हिंदी सिनेमा की पॉपुलर मूवी टाइगर 3 के सक्सेसफुल के बाद उनको अब डायरेक्ट इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के साथ उनको अपकमिंग डीज डायरेक्ट थिएटर पर और उस मूवी के साथ OTT प्रीमियर पर रिलीज करने के जिक्र हो गया है। आप सभी को बता दें, इस टाइम जवान मूवी को जब रिलीज कर दिया था और उसकी टाइम उस मूवी के हिंदी प्रीमियर का चर्चा हो गया था, जो काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हिंदी प्रीमियर के फैन और मूवीज़ के लवर के लिए, जो आप सभी में से कण कण इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के प्रीमियर के लिए एक्साइटेड हो रहे हो, आप सभी के हिंदी प्रीमियर के फैन के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा बात होने वाला है इस मूवी के प्रीमियर के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्तों मूवी प्रीमियर उन मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के साथ साथ आप सभी को काफ़ी सारे नए मूवी भी पसंद आने वाला है, और साथ ही साथ नए मूवी आप सभी को काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार में भी था। और दोस्तों जो लोग काफ़ी लंबे वक्त से उन मूवीज़ के हिंदी फिल्में के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी ने हम कह सकती हो, ताकि दोस्तों मैं आप सभी को बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के साथ साउथ इंडस्ट्री की हनुमान मूवी, जिसको 2024 पर रिलीज़ करके ही हाल ही में जी स्टूडियो नेटवर्क G5 पर प्रीमियर कर दिया जा चुका है, और जी नेटवर्क वालों जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी फिल्में के लिए इंतज़ार में थे, वो लोग इस टाइम इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर और इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। वीडियो के साथ साथ कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिएगा उन मूवी के साथ जियो नेटवर्क पर हनुमान मूवी के टीज़र के साथ उस मूवी के ऑफिशियली फुल प्रीमियर रिलीज़ हो चुका है, और जियो नेटवर्क की सब्सक्रिप्शन वालों जो काफ़ी लंबे वक्त से इन मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए इंतज़ार में थे, उन सभी के लिए इस टाइम काफ़ी इन्जॉयमेंट हो गया है, उन सभी को ये काफ़ी पॉपुलर मूवी आसानी से देखने को भी मिल गया है, और हिंदी फिल्म के फ़ैन के लिए इस टाइम ये सब काफ़ी पॉपुलर भी लग जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में #शैतान फुल मूवी लेके कमेंट करना मत भूलिएगा।